तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 22 जनवरी और आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पूरा डिस्कशन देखेंगे, पहले एडिटोरियल और फिर न्यूज एनालिसिस, एक ओवरव्यू भी दूंगा। उससे पहले आप लोग अपने दिन को स्टार्ट करिए पूरे जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह आप लोगों का बना रहना चाहिए। अभी आप लोग वीकेंड में आ चुके हैं, यानी कि आज है सैटरडे और अगला जो सप्ताह आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो उसको इतने जोश में स्टार्ट करो यार कि आप लोगों को लगे कि अंदर से एनर्जी निकल रही है, और रियलिटी में जो काम आप लोग अचीव करना चाहते हैं उसको हाई एनर्जी के साथ में आप लोग करो। काम आप ही लोगों को करना है। एक तो होता है कि रो रो के वो काम कर लो, और दूसरा होता है बिल्कुल मोटिवेशन के साथ में, जोश के साथ में उस काम को करो, तो उस काम में आप लोगों की जो एनर्जी एफिशिएंसी लगेगी उसके बाद में रिजल्ट भी उतना ही शानदार आएगा, और टाइम दोनों में इक्वल लगेगा। तो ये समझना, अगर टाइम लगाना ही लगाना है तो क्यों ना ढंग से चीजों को यूटिलाइज किया जाए और अच्छे से अपना रिजल्ट लेकर आ जाए। बोला गया है, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमी को भरना है। अगर आप लोग बात करें, हर एक इंसान जो है वो एक ही तरीके से पैदा होता है, पर लेकिन कोई आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई आगे चलकर रिक्शा वाला बन गया, कोई आगे चलकर डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई किसान बन गया, या फिर अलग अलग फील्ड में जो भी आज के में इंसान जा रहा है, वो इंसान जो है वो अपने कर्मों की वजह से जा रहा है। और उसी को यहां पर बोला गया कि रंग हमें ही भरना है। यानी कि आज की दुनिया में अगर आप लोग देखोगे, अगर कोई भी इंसान जो है वो अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहा है, ढंग से डेडिकेशन के साथ में अपनी चीजों को आगे लेकर चल रहा है, वो इंसान कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजिशन पर आज के में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो इंसान अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहा है, अपनी दुनियादारी जैसी चल रही है बस चलने दे रहा है, वो कभी भी आप लोगों को सही पोजीशन पर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर कर्म भूमि इसीलिए बोला गया क्योंकि काम करने के बाद में ही आप लोगों को रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। यानी कि अगर कंफर्ट जोन में आप लोग हैं, अपनी रजाई में आप लोग मजे ले रहे हैं, तो फिर आप लोगों को रिजल्ट है नहीं मिलने वाला है। सोने का एक टाइम होता है, उस टाइम तक सोइए, उसके बाद में उठिए और फिर अपने काम पर लगिए। और जैसे ही आप लोग अपने आप को उस जोन में लेकर आ पाते हैं तो एक नया दिन स्टार्ट होता है, तो नए दिन को एक नए जोश के साथ में आगे लेकर आप लोगों को चलना है। पूरे इस साल के 21 दिन आप लोगों की जिंदगी में से जा चुके हैं, और ये माना जाता है साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, यानी कि ये एक तथ्य माना जाता है कि अगर आप लोग 21 दिन तक किसी काम को लगातार कर लेते हैं तो वो आप लोगों की आदत बन जाता है। तो अगर ये 21 दिन आप लोगों ने इसी तरीके से यूटिलाइज किए हैं और कोई भी आदत आप लोगों ने चेंज की है इन 21 दिनों में, तो जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई आदत आप लोगों ने अब तक चेंज नहीं की है तो आने वाले 21 दिनों में कौन सी आदत आप लोग चेंज करना चाहते हैं ये भी आप लोग बता सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, अपना प्लान मॉर्निंग में बनाया कीजिए और फिर इवनिंग तक उसको देखा कीजिए क्या क्या आप लोगों ने फॉलो किया है। तो मॉर्निंग में जब ये वीडियो आती है इसके नीचे अपना प्लान लिखा कीजिए कि हाँ ये आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, और फिर जब आप लोगों की इवनिंग में वीडियो आती है यहां पर नैनो मैगजीन, उसके नीचे प्लान लिखा कीजिए क्या क्या आप लोगों ने अचीव कर लिया है। तो इससे आप लोगों को एक मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने ले लेना तो बहुत सारी जनता से आप लोग वैसे अपने आप को आगे पाओगे। क्योंकि जो लोग आज के में कर रहे हैं, पिछले कुछ मेरे साथ में जुड़े पिछले कुछ महीनों से ये काम रेगुलर कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछना उनकी लाइफ में कितना इंप्रूवमेंट है। इससे क्या होता है, इससे बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप लोग कहीं मान लीजिए चल दिए निकलकर अपने घर से, और आप लोगों को ए जगह से बी जगह पर जाना है किसी लोकेशन पर। अगर आप लोगों को उस लोकेशन का एड्रेस पता होगा कि कहां पर आप लोगों को जाना है, तो आप लोग अच्छे से अपना काम कर पाएंगे और रास्ता आप लोगों को पता होगा जाने का। पर लेकिन अगर सोचिए सुबह उठ गए आप लोगों को पता ही नहीं दिन कैसे यूटिलाइज करना है, तो दिन जो है वो बिल्कुल बर्बाद जाने वाला है। तो कोशिश ये करो कि इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे, पहले एडिटोरियल का एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देने वाला हूं, इसके बाद में फिर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे न्यूज एनालिसिस। तो आइए पहले यहां पर एडिटोरियल के ऊपर नजर डालते हैं, इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। काफी शानदार एडिटोरियल है, कई सारे ऐसे बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, मजा आ जाएगा आप लोगों को सुनने में। जो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है, वही शशि थरूर जी जिनकी इंग्लिश जो है वो इतनी फेमस मानी जाती है कि इंसान है ये बोलते हैं कि ससुर थरूर जी की इंग्लिश पढ़ने के लिए आप लोगों को डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ेगा, और ये रियलिटी भी है। पर लेकिन ये आर्टिकल बड़ी ही सिंपल शब्दों में इनके द्वारा लिखा गया कि आप लोग भी पढ़ना चाहे तो आप लोग इसको समझ लेंगे। ये आर्टिकल आप लोगों को पता है अभी हम लोग 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उसके उपलक्ष में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो कई सारी बेसिक चीजें हैं, कई सारी थ्योरीज इनके द्वारा बताई गई, कई सारे कॉन्सेप्ट इनके द्वारा डिस्कस किए गए, वो सारी कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ बेसिक एक्स्ट्रा स्टेटिक पोर्शन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करूंगा संविधान से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता ही होना चाहिए, बींग ए सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय नागरिक होने के नाते भी आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। तो काफी डिटेल में मैं ये आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। एक ये वाला आर्टिकल ये यहां पर वैसे तो बात कर रहा है उत्तराखंड के बारे में, इलेक्शन के बारे में स्टार्टिंग में, पर लेकिन कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। उत्तराखंड एक तरीके से एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ से काफी इंपोर्टेंट राज्य बन जाता है, खासकर जहां पर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो बोला यह गया कि एनवायरमेंट जो है कहीं पर भी जो कंपेन हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसको मैं काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम बताऊंगा, कुछ रिवर्स के नाम बताऊंगा,
और किस तरीके से अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लो आज के में, हमारी कंट्री की जो कैपिटल है दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो पानी आता है वो मेनली कहाँ से आता है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ बैठे कोई और आप लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, या फिर आप लोगों से वैसे पूछ ले कि हमारे देश की राजधानी को पानी कहाँ से मिलता है मेनली, तो कौन कौन से वो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। यानी कि वैसे आर्टिकल पॉलिटिकल था पर लेकिन हम लोगों ने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, कुछ प्रोजेक्ट यहाँ से उठाए, कुछ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है कि आप लोगों को सुनने में मजा आएगा और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ में आप लोगों की खुद की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। ये नीचे वाला जो आर्टिकल है ये आर्टिकल बेसिकली इंडिया और जर्मनी के रिलेशन के बारे में है, पर लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर क्या है, ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये लिखा गया वोल्टर के द्वारा। वोल्टर है यहां पर, ये कौन है, ये जर्मनी के एंबेसडर है इंडिया में, उनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। तो ये बता रहे हैं कि जर्मनी इंडिया को कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है ये बता रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोगों को आर्टिकल लिखना है तो जर्मनी के पॉइंट ऑफ से आर्टिकल हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग अपने पॉइंट ऑफ से आर्टिकल लिखेंगे। तो यहां पर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा जो वोल्टर साहब ने नहीं दिए हैं, ठीक है, मतलब हम क्या लिखना चाहते हैं अपने एग्जाम में वो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इनके द्वारा तो वही बताएगा कि जर्मनी यहां हेल्प कर रहा है, जर्मनी वहां हेल्प कर रहा है, ऐसे मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग 75वीं आजादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आंसर राइटिंग में आप लोगों को रोल प्ले करने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल है यहां पर ये है अभी आईएएस कैडर पॉलिसी जो न्यू अभी लेकर आई गई है, किस तरीके से यहां पर डेपुटेशन पे आईएएस को भेजना चाहिए, तो उसी के बारे में है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बेसिकली देखिए एक छोटी सी बात और बता दूं, कल की जो वीडियो है उसमें लगभग 12 मिनट से लेके और लगभग 38 या फिर आई थिंक 38 मिनट तक लगभग उसमें आवाज नहीं, उसमें बेसिकली आवाज तो थी पर लेकिन उसमें क्या नहीं था, उसमें वीडियो नहीं थी, ठीक है। तो उसी के चलते मैंने सेकंड वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने वही पोर्शन जो था वो पूरा कवर किया जो कि यहां पर छूटा हुआ था, ठीक है। तो वो पूरा डिटेल में मैंने वहां पर कवर कर दिया, ओके। तो उसको आप लोग जरूर देखेगा, और कई सारे बच्चों ने उसको देखा नहीं है तो मुझे लगा कि टॉपिक आप लोगों का छूट गया होगा, तो इसको फिर से आज डिटेल में मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि देखिए यार मेरी भी गलती नहीं थी, बेसिकली ये है एक तरीके से सॉफ्टवेयर है, अब कहां से इतने आवाज उठा ली और कहां से उसने वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दिया, मैं क्या कर सकता हूं उसमें, मैंने तो पूरी शिद्दत से पढ़ाया था, ठीक है, दूसरी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। चलिए कोई नहीं, जिस किसी का छूट गया इन ये सारे आर्टिकल डिस्कस करने के बाद में एंड में इस वाले आर्टिकल को भी हम लोग देख लेंगे, एक रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का, और आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा जो आज के एडिटोरियल में डिस्कस करी गए हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। और आज है सैटरडे, सैटरडे को आप लोगों को पता है ग्राउंड जीरो आता है, तो यहां पर जो आज ग्राउंड जीरो कवर किया गया है ये आप लोगों को पता है, कई बार हम लोग वैसे भी कवर कर चुके हैं, सुल्ली डील और बुल्ली बाई के बारे में किया गया है। हालांकि काफी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, वहां का रहने वाला है, इसकी एजुकेशन है, इसने ये कर लिया वो कर लिया, वो काम की बात नहीं है, पर लेकिन सुल्ली डील और बुल्ली बाई के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और अगर आप लोग टेलीग्राम पर कनेक्टेड है तो मैंने पूरा यहां पर ये एक कुछ इस तरीके का यहां पर ये एक आर्टिकल डिस्कस किया था, इसमें कौन कौन से रूल और रेगुलेशन है हमारे देश के अंदर में इससे रिलेटेड, कहां कहां पर किस किस को क्या क्या सजा मिल सकती है, तो इसके इसको आप लोग एक बार जरूर जाकर देखिएगा। इसको फिर से मैं रीसेंड कर दूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा एडिटोरियल था जहां पर ढंग से कवर किया गया था, ठीक है। तो एडिटोरियल बेसिकली एक आर्टिकल था यहां पर ये, तो ये मैंने यहां पर शेयर कर दिया था, तो इसको आप लोग पढ़िएगा और आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की गई हैं, ठीक है, तो वही है यहाँ पर, तो हालांकि अलग चीज़ें डिस्कस की गई जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी अगर बात करेंगे तो काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक ओवरव्यू में आप लोगों को देता हूँ और क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। जो न्यूज एनालिसिस में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने आने वाला है, ये बेसिकली अभी क्या किया गया, अमर जवान ज्योति जो है उसको यहाँ पर किसके साथ में मर्ज किया जा रहा है, उसको वार मेमोरियल के साथ में मर्ज किया जा रहा है। तो ये वार मेमोरियल क्या है यहाँ पर, इसके बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को डायरेक्ट बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। नितिन गडकरी साहब जो है बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी तो इन्वेस्टमेंट करती ही करती है जो नेशनल प्रोजेक्ट में, अब इंडिविजुअल भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पाएगा तो कैसे वो समझेंगे। फिर से यहाँ पर मनोहर पारिकर जी के जो बेटे हैं उनके बारे में न्यूज आई तो समझेंगे क्या बातें हैं। बाकी पाकिस्तान के कई सारे यूट्यूबर को बैन किया गया, आखिर क्यों, स्टार्टअप जो है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है कि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं देश के अंदर में, तो उसी के ऊपर एक स्टडी है यहाँ पर, इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। अभी यहाँ पर दो लोगों को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर जॉब का झूठा बुलावा देकर लोगों को ठग रहे थे, तो जानेंगे क्या बात है यहाँ पर। अभी यहाँ पर बात की जा रही है दो बेसिकली स्टेट के बारे में, एक है हरियाणा, दूसरा है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। ये यहाँ पर बात करेंगे सरस्वती रिवर के बारे में, तो उसके ऊपर काम करने वाले प्लान किस तरीके चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा आप लोगों का, ये बात करें टाइगर सेंसस के बारे में, तो बांदीपुर ये बेसिकली नगर होल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, बेसिकली कर्नाटका के अंदर से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे, टाइगर सेंसस के बारे में बात करेंगे, तो टाइगर सेंसस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में। बाकी भाई बहन जो है कांग्रेस को लेकर आगे चल रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से लगे रहिए, इसी तरीके से बीजेपी कांग्रेस सब लेकर चल रहे हैं अपने अपने बेसिकली बंदों को। तो ये इंटरेस्टिंग फोटो लगा मुझे, दिखा कि भाई बहन का प्यार ऐसा होना चाहिए,
तो मुझे इसलिए मैंने ये डाल दिया, वरना कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं था मेरा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यार, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर फिर से चीज़ें बढ़ रही हैं। ये थर्ड वेव का असर आप लोगों को ओमिक्रॉन का देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। ये आज के न्यूज़पेपर में कार्टून दे रखा था, ये कार्टून को देखकर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? अब अगर आप लोगों ने देखा होगा कई बार, कई सारी पिक्चर्स देखकर आप लोगों से पूछ लिया है क्या लिखना है, खासकर पिक्चर परसेप्शन जो टेस्ट होता है, अगर एनडीए सीडीएस के थ्रू या फिर एसएसबी देने जाते हैं आप लोग टेक्निकल एंट्री के थ्रू, तो डायरेक्ट आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग क्या करें, इसके बारे में लिखें। यहाँ पर एनईईटी नीट के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पर मेरिटोक्रेसी यानी कि मेरिट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो बोला गया कि रिजर्वेशन एंड जो मेरिट है आर नॉट अपोज, ठीक है। तो यहां पर अभी कोर्ट का एक डिसीजन आया, उसी के बारे में यहां पर ये पूरा आर्टिकल छापा गया। तो आप लोगों को यहां पर इसमें 40 से 50 शब्द लिखकर देखेगा, और देखिए यार कोई भी मां के पेट से सीख के नहीं आता है, कोशिश करना लिखने की, अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आप लोग अच्छे से लिख भी पाओगे, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, बेसिकली ईरान के एप्पल को खरीदने से मना की जा रही है, क्योंकि उनके अंदर यहां पर क्वारंटीन पेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि लोकल फ्रूट जो है उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जानेंगे क्या बातें हैं, सुडोकू है इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और बाकी यहां पर कल का सुडोकू का सोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक और छोटा सा आर्टिकल है यहां पर हरियाणा से रिलेटेड जॉब के बारे में, एक बच्चे के द्वारा पूछा गया था कि सर क्या रीजन है यहां पर आज के डेट में, क्यों यहां पर बेसिकली 75% रिजर्वेशन अगेंस्ट माना जाता है, समझेंगे। रसिया और यूक्रेन, बेसिकली रसिया और यूएसए मिलकर काम कर रहे हैं यूक्रेन के मुद्दे पर, उसको समझेंगे यहाँ पर। अभी यमन के अंदर आप लोगों को पता ही क्या रस्साकसी चल रही है, मैंने आप लोगों को बताया ही था। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में चिप बनाने की, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है 100 बिलियन। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में कुछ बातें करूंगा, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा वीडियो को एंड तक, ताकि आप लोग काफी कुछ यहां पर जान पाएंगे। और आज के एसएलबी कमांडो है तुषार पवार, इनके द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, और बाकी कल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यानी कि बहुत कुछ आप लोगों को वीडियो के एंड तक जानने को मिलने वाला है, तो इसलिए अच्छे से बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने कोटेशन है यहाँ पर, और इस कोटेशन को आप लोग बेसिकली आंसर राइटिंग या फिर एस्से राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये आज का एस्से है, तो आप लोग क्या बोलोगे इसके बारे में? इसके ऊपर आज आप लोगों को निबंध लिखना है, क्योंकि अब की बार जो एस्से है वो आप लोगों ने देखे होंगे कुछ ऐसे ही निकल कर आए हैं, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, वो डायरेक्ट कोई ना कोई स्टेटमेंट थी। बोला गया टू एजुकेट गर्ल इज टू रिड्यूस पॉवर्टी, तो कोफी अन्नान साहब के द्वारा बोला गया कि लड़कियों को शिक्षित करना गरीबी को कम करना होता है। तो ये आप लोगों को आज निबंध लिखना है, 1000 से लेकर 1200 शब्दों में आप लोगों यहां पर लिखना है। कोशिश करना है यहां पर ऐसी ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर भी आप लोग ऐसे लिखो, क्योंकि अब की बार कई सारे ऐसे ऐसे आप लोग यहां पर देखने को मिले, तो इसलिए उनको आप लोग अगर ढंग से अटेम्प्ट करोगे तो ही आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में लिख पाओगे, ठीक है। और एक और छोटी सी बात यार, आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही हो, क्योंकि मैं अपने गांव में था बेसिकली, तो उसकी वजह से यहाँ पर इशू देखने को मिल सकता है, और वीडियो भी अपलोड करने में हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट का इशू रहता है यहाँ पर। तो मैं ट्राई करूंगा कि टाइम पर आ जाए, पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको आप लोगों को मैनेज करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पहले ही मैं आप लोगों को बोल देता हूं। बाकी यहां पर क्वेश्चन है, बात की जा रही है नेशनल टेक्सटाइल मिशन के बारे में। तो नेशनल टेक्सटाइल मिशन में हमारी कंट्री का जो टारगेट है वो 40 बिलियन से लेके 50 बिलियन तक का है। तो आप लोगों को ये बताना है कब तक का ये टारगेट है। नेशनल टेक्सटाइल मिशन के बारे में शाम को 8:30 बजे जो वीडियो आती है उसमें डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये सारी चीजें। तो बताइए कब तक का ये टारगेट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा अनाउंस किया गया एक इनिशिएशन यहां पर ओपन डेटा वीक। तो ओपन डेटा जो वीक है यहां पर, ये कब से कब तक का सेलिब्रेट किया जा रहा है? 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी, 25 जनवरी से लेकर 1 फरवरी, 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल, या 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी? तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बात की जा रही है एनसीपीसीआर के बारे में, ठीक है। तो एनसीपीसीआर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। दूसरा बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। तो सही स्टेटमेंट क्या है ये आप लोगों को बताना है, और एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म भी आप लोगों को बतानी है। कई बार ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखकर आप लोगों को दे देंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार ये क्या हो गया। तो अगर इन चीजों के बारे में आप लोग क्लियर नहीं रहोगे माइंड में, तो फिर क्वेश्चन भी आप लोग वहां पर गलत करते हुए नजर आओगे। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को अच्छे से लेकर चलनी है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ेंगे, जो पहला आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर यहां पर आप लोगों को दूसरे आर्टिकल की ओर लेकर चलूंगा, ठीक है। तो यहां पर जो आर्टिकल है आप लोगों के सामने यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर बात करें यहां पर, ये जो आर्टिकल लिखा गया है शशि थरूर साहब के द्वारा लिखा गया है, और बोला गया कि आज की डेट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पावर में है, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट को टारगेट किया गया, तो वो सारी बातें हम लोग बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग वो डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है अभी हम लोग अपने देश में अपनी 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ से जो भी स्टैटिक और करंट का मिक्सचर होगा आप लोगों से जो आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है, इसी के साथ में वो चीजें जो आप लोग आज के में यूज कर सकते हैं इंटरव्यू में भी, वो सारी बातें तमाम मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर।
बेसिकली बात की जा रही है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के ने देखिए हाथ से लिखा था हमारा संविधान, यानी कि हमारा संविधान जो है वो हाथों से लिखा गया। ठीक है, हमारा संविधान जो है दुनिया में एक ऐसा एक लिखा हुआ एक एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सबसे प्यारा एक प्रॉपर वे में डेकोरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बोल सकते हैं दुनिया में। सबसे अगर बात करें यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी है वो हाथों से लिखी गई, एक तो ये फैक्ट है। दूसरा अगर बात करें संविधान की जो मूल कॉपी है वो कैलीग्राफी जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखी गई थी, इसी के द्वारा हमारा संविधान की मूल कॉपी जो है वो यहां पर अंग्रेजी में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसका बाद में हिंदी में अनुकरण किया गया। ठीक है, तो यानी कि ओरिजिनल बॉडी जो ओरिजिनल हमारा जो संविधान लिखा गया था वो हिंदी इंग्लिश में था, ये याद रखिएगा, बाद में फिर उसको हिंदी में अनुवाद किया गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। कुछ बेसिक बात अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँ संविधान के बारे में, तो 26 नवंबर 1949 में हमारी कंट्री में कुछ पार्ट हमारे संविधान का हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बोला गया था कि यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरीके से हम लोग को लेकर चलनी है। फिर आगे चलकर यहाँ पर 26 जनवरी जो है वो मेन डे इसीलिए माना गया था क्योंकि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने को मिली थी, वरना संविधान इसी दिन यहाँ पर हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया था कुछ कुछ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो है उसके द्वारा हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट किया था। आप लोगों को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में, यानी कि हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपना संविधान जो है वो 26 नवंबर को हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया गया था, तो इसलिए यहाँ पर ये डेट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में एमएन जो रॉय थे वो पहली पर्सनैलिटी थे जिनके द्वारा प्रपोज किया गया था 1934 में कि हम अपना संविधान अपने आप बनाएंगे। देखिए अंग्रेजों ने यार हम लोग को ललकार दिया था, अंग्रेजों ने ये बोला कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो अपना संविधान बना के दिखाओ, आज़ादी आज़ादी चिल्लाते रहते हो। तो यहाँ पर हमारे जो फ्रीडम फाइटर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा ये जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट कर लिया गया। तो पहले तो 1928 में यहाँ पर एक तरीके से इनके द्वारा ट्राई किया गया था कुछ चीजें करने की। ठीक है, इसी के साथ में फिर आगे हम लोगों ने पूरा संविधान बनाने के लिए एक पूरा एक असेंबली बनाई जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलते हैं हम लोग, और उसने पूरा संविधान जो है वो हमारा तैयार किया। ये जो असेंबली थी इसमें खासकर अगर बात करें एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी थी जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग बॉडी, ड्राफ्टिंग मतलब लिखने वाली, जिसके द्वारा पूरा संविधान लिखा गया हमारा। उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे बीआर अंबेडकर जी, उसी के साथ में और कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में, तो इनके नाम भी कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो इनके नाम के साथ साथ में मैं आप लोगों को एक छोटा सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दूंगा जो कि खासकर कई बार आप लोगों से पूछा जाता है टेलीग्राम पर, जिसमें इनके नाम और कौन कौन सी कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो अलग अलग कमेटी के चेयरपर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन जो यहां पर ड्राफ्टिंग कमेटी के कंप्लीट हेड थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी, तो ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पहली मीटिंग जो हुई थी वो 30 अगस्त 1947 में यहां पर इसकी देखने को मिली थी, और फिर आगे चलकर हम लोगों ने अपना संविधान बनाना स्टार्ट कर दिया था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन हम लोगों को पूरा संविधान बनाने में लगे, और जिस तरीके से हम लोगों ने उसको लेकर चला था ओरिजिनल जो कॉपी थी यहाँ पर, ठीक है, फिर उसको हम लोगों ने लिखा, फिर उसको प्रिंट किया गया आगे चलकर, और आज की डेट में भी जो संविधान लिखा हुआ है ये याद रखेगा हमारा हीलियम फाइल्ड केस में इसको रखा गया है, यानी कि संविधान को एक ऐसे बॉक्स में रखा गया एक हीलियम के उसमें, ताकि वो ऐसी की ऐसी उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि वो एक तरीके से हमारी धरोहर हो चुकी है, आने वाली जनरेशन भी उसके बारे में देखेगी समझेंगी जानेंगी, तो इसलिए हम लोगों ने उसको इस तरीके से सहज कर रखा है ताकि लोगों को पता चले आने वाली जनरेशन को भी किस तरीके से हम लोगों ने संविधान बनाया है। प्रेम बिहारी नारायण जो रायजादा है यहाँ पर उनके द्वारा यूनिक कॉपी यहाँ पर लिखी गई थी। अगर बात करें ओरिजिनली मैंने बोला अभी आप लोगों को इंग्लिश में लिखा गया, फिर आगे चलकर इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया। कई सारी कंट्री ब्रिटेन आयरलैंड जापान इसी के साथ में यहाँ पर जर्मनी सब जगह से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कुछ उठाया अपने संविधान में, और काफ़ी प्यारा संविधान हम लोगों ने बना डाला। मैक्सिमम पोर्शन हमारे संविधान में जो लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उससे लिया गया है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है हमारा। अगर बात करें फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फ्यूचर और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ और बेसिक बातें जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो 100 यानी कि 100वां अमेंडमेंट किया गया यहाँ पर। अगर बात करें मैं आप लोगों को कुछ लास्ट अभी लेटेस्ट के 5-6 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताता हूँ जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। फिर आर्टिकल की ओर चलूंगा, आर्टिकल काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। बात की जा रही है यहाँ पर अमेंडमेंट जो किया गया था यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर में अभी 15 जुलाई को, ठीक है, तो अमेंडमेंट था कौन सा यहाँ पर, ये 100वां अमेंडमेंट था। तो ये 100वां अमेंडमेंट किस लिए था ये याद रखिएगा, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बात की गई, तो लैंड बाउंड्री जो एग्रीमेंट था वो यहां पर 100वां अमेंडमेंट था, ठीक है। 101वां अमेंडमेंट के बारे में आप लोगों को बता ही चुका हूं कई बार, हमारी कंट्री में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया और कई सारे आर्टिकल जो है यहां पर वो इंक्लूड किए गए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर 6th शेड्यूल और 7th शेड्यूल के अंदर भी कुछ चेंज किया गया।
नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा अभी हमारी कंट्री में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा वीडियो भी बना रखी है, अगर आप लोग सर्च करोगे तो ये 102वां संविधान में संशोधन किया गया था, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद में आप लोगों को देखने को मिला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन देने की बात की गई तो 103वां संविधान में संशोधन किया गया। ये मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ओरिजिनली जो हमारा संविधान था उसको हम लोगों ने अब तक 105 बार हम लोग उसके अंदर चेंज कर चुके हैं, तो इसलिए हमारा संविधान जो है वो एक जीवित यानी कि जिंदा कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि उसके बाद हम लोग अंदर चेंज कर रहे हैं कई सारे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, इसी के साथ में फिर यहां पर बात करें जो सीट है लोकसभा, और आप लोगों को पता जो सीट है बेसिकली लोकसभा में आप लोगों ने देखा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर अगर बात करें 2 सीट हुआ करती थी। ठीक है, तो वो 2 सीट जो थी यहां पर ये आर्टिकल 334 के अंदर यहां पर रखी गई थी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए कम से कम सीट होनी चाहिए असेंबलीज के अंदर और इसी के साथ में लोकसभा के अंदर में। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन से होते थे, जैसे अंग्रेजों ने 200 साल तक रूल किया हमारे देश में, अब यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे कि अंग्रेजों ने हिंदू के साथ में मतलब हिंदू नहीं सॉरी इंडियन के साथ में उनके द्वारा शादी की गई होगी, तो अब यहां पर उनके बच्चे भी होंगे, उनकी जनरेशन होगी, तो उनके ऊपर कौन ध्यान रखेगा, तो उसके लिए भी 2 सीट यहां पर एलोकेट की गई थी। पर लेकिन अब लगा कि आजादी के बहुत साल हो चुके हैं, अब हम लोग को इस जो फंडे को साइड में कर देना चाहिए, अब अपने ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए, तो हम लोगों ने वो प्रावधान जो है वो यहां से अब हटा दिया है। तो 545 सीट की जगह अब आप लोगों को 543 सीट यहां पर देखने को मिल रही है प्रेजेंट टाइम पर, क्योंकि 2 सीट हटा दी गई है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं किसके थ्रू इसको हटाया गया था, तो 104वां संविधान में संशोधन किया गया था उसके थ्रू इसको हटाया गया था 2020 में, और लेटेस्ट अमेंडमेंट जो अभी किया गया यहां पर ये 105वां, इसमें क्या किया गया, इसमें बेसिकली पहले ये देखने को मिला था कि राज्य के हाथ में से पावर छीन ली गई थी यहां पर कि ओबीसी लिस्ट को तैयार करने की, अभी यहां पर फिर से राज्य को पावर दे दी गई है कि रिस्टोर कर दी गई कि वो यहां पर डिसाइड करेंगे यहां पर। ठीक है, तो उसकी वजह से यहां पर ये इश्यू बन गया था, तो इसमें संविधान में संशोधन करके यहां पर इस चीजों को चेंज किया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है इसके बारे में आप लोग याद रखेगा जो लेटेस्ट मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पास्ट में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा करके आप लोगों को बता दिया यहां पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहां पर जो बात करेंगे यहां पर जो आर्टिकल है उसके बारे में आगे चीजें लेकर चलते हैं। ये थोड़ा सा नीचे यार कट गया, एक सेकंड रुकिए, इसको देखता हूं सही करके। ओके, अब आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ही शशि थरूर साहब के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि जो हमारा संविधान है वो एक तरीके का काफी एक गिफ्ट है हमारे लिए एक तो, और काफी एक शानदार विजन के साथ में यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि संविधान को जो निर्माता करने वाले जो लोग थे वो अलग अलग फील्ड से, यहाँ पर आप लोगों को जो लोग देखने को मिल रहे थे काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जो अलग अलग फील्ड से यहाँ पर निकल कर आए थे, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की गई कि हमारा संविधान जो है वो काफी शानदार तरीके से यहाँ पर लिखा गया। तो जो आज के डेट में आप लोग चीजें देख रहे हैं ये संविधान जो आप लोगों के सामने निकल कर आता है, तो इसलिए हम लोग को इसको ढंग से समझना चाहिए क्योंकि उनका विजन है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनके द्वारा जो चीजें देखी गई समझी गई उसके बेस पर हमारा संविधान लिखा गया है। पुराने टाइम पे अगर आप लोग बात करेंगे बेसिकली संविधान की जगह जो एक संविधान माना जाता था ये मानते थे कि रिलीजन को संविधान माना करते थे, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा हर एक रिलीजन में अगर आप लोग बात करेंगे हर एक रिलीजन में अलग अलग तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की गई है कि हमको ऐसे रहना है, अपनी जिंदगी को ऐसे एंजॉय करना है, इस तरीके से हमको अपनी लाइफ को लेकर चलना चाहिए। तो रिलीजन जो है वो लोगों को गलत काम करने से रोकता है, और रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर जो एक नहीं अर्थ जो अर्थव्यवस्था को चलाने वाले जो लोग हैं सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं उनका दोस्त भी माना जाता है रिलीजन। क्यों? क्योंकि लोगों को गलत काम करने से रोकता है। तो पुराने टाइम पर जो यहाँ पर रिलीजन है उसको ही कॉन्स्टिट्यूशन की तरीके से देखा जाता था, यानी कि एक तरीके से जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पौराणिक कथाएं होगी यानी कि मैथोलॉजी होगी या फिर थियोलॉजी यानी कि धर्मशास्त्र हो गए, तो उनको यहाँ पर बेसिकली संविधान के तरीके से हम लोग लेकर चलते थे। पर मॉडर्न टाइम में मैक्सिमम देशों के द्वारा अपना खुद का संविधान लिखा गया, इसी तरीके से हमने भी अपना संविधान लिखा। तो हमारा संविधान लिखते टाइम आप लोग यहाँ पर जैसे कि आप लोग बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, महात्मा गांधी जी थे, इसी के साथ में अंबेडकर साहब थे, नेहरू जी थे, पटेल साहब थे, तो यहाँ पर इनके सबके द्वारा मिलकर हमारा संविधान लिखा गया। इनकी सबकी अगर आइडियोलॉजी आप लोग देखोगे सारे अलग अलग पैटर्न से निकल कर आने वाले लोग थे, कोई यहां पर रिलीजियस लीडर था, कोई यहां पर स्पिरिचुअल या फिर मोरल था, सबके अलग अलग विजन थे। तो हमारा संविधान जो है उसमें एक इतना बेहतरीन विजन, इतनी सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में देखने को मिलेगी जो कि हर तबके के सोसाइटी को हर रीजन के लोगों को यहां पर कवर करके चलता है। तो नेशनल लेवल पर यहां पर अगर बात करें चीजों को हम लोग इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं और जो कि सारी चीजें प्रॉपर वे में आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसमें अगर जाएंगे आप लोग प्रीएम्बल के अंदर जिसको आप लोग प्रस्तावना बोलते हैं, तो प्रस्तावना पढ़कर ही कोई बता सकता है कि हमारा संविधान जो है वो इतना शानदार संविधान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी बातें लिखी गई है। सबसे पहले तो लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप लोगों को यह बताना है ये शब्द जो है ये हम लोगों ने कहां से लिया, बताइए जरा, देखता हूं आप लोगों को पता होगा। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया तो कहां से लिया ये शब्द, यहां पर अगर बात करें सोशलिस्ट सेक्युलर
इसी के साथ में सोशलिस्ट जो यहाँ पर सोवरन सोशलिस्ट और सेक्युलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये यहाँ पर जो शब्द आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ये बताते हैं हमारा संविधान कैसा है। इसी के साथ में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, जस्टिस मतलब सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी मतलब यानी कि एक तरीके से इंसान जो है अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने थॉट को, बिलीफ को, जिसमें विश्वास करते हैं और वर्शिप, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। और इक्वलिटी, हर एक लेवल पर आप लोगों को इक्वलिटी नजर आएगी। और भाईचारा, फर्टर्निटी के बारे में बात की गई। और एक डेट लिखी गई है पूरे प्रीएम्बल में, वो क्या है, वो डेट याद रखिएगा, 26th of November, ठीक है। तो 26th जो है यहाँ पर नवंबर, वो डेट ओनली यहाँ पर संविधान में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रीएम्बल में, तो ये पूरा प्रीएम्बल जो देखकर कोई भी बता देगा कि हमारा संविधान जो है भाईचारे से लबालब, अब एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की इज्जत करते हुए आगे बढ़ने वाले आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बोला ये कि जो प्रीएम्बल है वो सारी बातें अपने आप ही काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं का विजन क्या था। तो उसी चलते आप लोगों, हमारा देश जो है वो रिपब्लिक, इसी के साथ में आप लोगों यहां पर जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये सारी चीजें आप लोगों को प्रीएम्बल में देखने को मिल जाएगी। तो प्रीएम्बल बनाया ही इसीलिए गया है, इस तरीके से गया है ताकि हमारा संविधान जो है वो सारी सोसाइटी को इंक्लूड करके चल सके, और वही उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में हमारे प्रीएम्बल के अंदर में आप लोगों को बेसिकली कानून का नियम यानी कि रूल ऑफ लॉ मिल देखने को मिलेगा प्रॉपर वे में। रूल ऑफ लॉ कहां से देखने को मिल जाता है आप लोगों को, वो इस तरीके से देखने को मिल जाता है कि एक सिस्टमेटिक वे में किसी भी इंसान को ऐसे नहीं कि उसके साथ में डिस्क्रिमिनेट किया गया, एक प्रॉपर कानून के अंदर सबको इक्वल रखा गया है। रूल ऑफ लॉ का जब मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है यहां पर एक तरीके से, द रूल ऑफ लॉ अगर बोले तो इसका मतलब है कि इक्वलिटी अंडर द लॉ, यानी कि कोई कानून है उसके अंदर सब जो है वो समान है। ऐसा नहीं कि एक इंसान जो है मर्डर कर दिया, वो एक अमीर आदमी था, एक गरीब आदमी, उसने मर्डर कर दिया कि यहां पर अमीर आदमी को छोड़ दो, गरीब आदमी को पकड़ लो। हालांकि रियलिटी में होता ऐसे ही है कि वो अपनी पावर से बच जाता है, पर लेकिन अगर बात करें संविधान ऐसा कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है कि हर एक इंसान जो है जो यहां पर इंडियन टेरिटरी के अंदर रहता है वो सब इक्वल है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लोगों के अंदर, प्रॉपर वे में उसको इंप्लीमेंट करा जाए। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि यहां पर साहूकार की गोद में जाकर जुडिशरी बैठ गई, और एक्सेसिबल होना चाहिए लीगल सिस्टम सबके लिए बेसिकली, यानी कि कोर्ट में लोग जा सके तो उसका भी एक प्रॉपर एक पैटर्न होना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार जनता की अदालत लगाई जाती है, ठीक है, लोक अदालत जिनको आप लोग बोलते हो, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है हमारे देश में वो यहां पर ऐसी लोक अदालत लगाती है ताकि जस्टिस जो है, न्याय जो है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच सके। तो ये सारे प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अंबेडकर साहब जो है वो काफी लंबे समय से चीजों को झेल कर आए थे, उन्होंने काफी डिस्क्रिमिनेशन देखे थे, अनटचेबिलिटी देखी थी। तो इसी के साथ में वो एक ऐसे बोला गया कि अंबेडकर ए प्रोडक्ट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसी के साथ में हमारे देश में जो बात करें गवर्नमेंट ऑफ लॉ कॉलेज बॉम्बे के अंदर से उनके द्वारा अपनी एजुकेशन जो थी वो कंप्लीट की गई थी। तो इन सब जगह पे जहां जहां वो गए, जहां जहां वो घूमे, उन्होंने सारी चीजें अंडरस्टैंड करी कि देश के साथ में कहां पर गलत चीजें हो रही है, कहां पर सही चीजें हो रही है। तो उनको अंडरस्टैंड करते हुए वो आगे बढ़े, और उन्होंने देखा कि जो अपर पॉलिटिकल क्लास है वो बेसिकली अपर जो क्लास है वो लोअर क्लास को सप्रेस करती है। वो सारी बातें ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान के अंदर प्रॉपर वे में एक ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश की है ताकि सबको इक्वल ट्रीट किया जा सके। पर लेकिन यहां पर इनका थॉट होते हुए, सारी चीजें जानते हुए भी इनके द्वारा फिर भी सबके लिए एक प्रॉपर एक इक्वल चीजें रखने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं कि यहां पर जो इनके साथ में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी इनके साथ में जो उन्होंने चीजें झेली हैं पास्ट में, उसके इसको संविधान के ऊपर उसको हैवी कर दिया जाए, नहीं, सबके लिए सारी चीजें रखने की कोशिश की गई है। महिलाओं के लिए भी अलग से बातें की गई, इवन आगे चलकर देखोगे आप लोग बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, लेबर क्लास के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, चाइल्ड लेबर के बारे में आर्टिकल 24 में आप लोगों को बोला था। तो ये वो सारी चीजें हैं जो यहां पर इनके द्वारा देखी गई, समझी गई, और एक ऐसा संविधान, एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बोल सकते हैं धरती के ऊपर। और देखिए अगर कुछ लिखने के लिए आ जाता है ना आप लोगों को संविधान के बारे में, तो एक स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी संविधान अच्छा या फिर बुरा नहीं होता है, यानी कि कोई भी संविधान ऐसा नहीं है बहुत शानदार है बहुत बुरा है, उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोगों की मंशा जो है वो उसको अच्छा और बुरा बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेगा। अंबेडकर साहब के द्वारा अगर बात करें यहां पर, जो यहां पर कई सारी जो चीजें यहां पर जो सॉल्यूशन दिए गए, उसमें सबसे जो मेन चीज थी वो आप लोग को यही देखने को मिलेगी कि आज की डेट में अपने देश के अंदर में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी कैसे हम लोग एक नेशनलिज्म को लेकर चल रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करें इंडिविजुअल को। तो मैक्सिमम फोकस यहां पर दिया गया वो था किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर बहुत बड़ा फोकस दिया गया। आप लोगों को पता है पार्ट थर्ड के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट है पार्ट थर्ड में रखे गए हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूं यहां पर, और पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक रखे गए, ठीक है। इसी के साथ में जब बात करेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक रखे गए।
तो यहां पर गवर्नमेंट को बोला गया तुमको ये वाले काम करने, और यहां पर जो लोगों को बोला गया तुम्हारे अधिकार है, और अगर तुम्हारे इन अधिकार का कोई हनन करता है तो ये यहां पर जुडिशियल है नेचर में, यानी कि आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। पर लेकिन अगर यहां पर डीपीएसपी को कोई इंप्लीमेंट नहीं करता है तो आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये बातें आप लोग को देखने को मिलेगी। लीगल सेंक्शन यहां पर लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है फंडामेंटल राइट के थ्रू, और दीज आर द नेगेटिव एज क्यों, क्योंकि यहां पर स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कुछ काम करने से। पर लेकिन फंडामेंटल जो राइट है वो नेगेटिव है, पर डीपीएसपी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये रोकती नहीं है किसी को करने के लिए, कोई फोर्स नहीं करती किसी को करने के लिए। डीपीएसपी में क्या होता है बेसिकली, देखिए यहां पर ये बोला गया हमारी कंट्री में संविधान निर्माताओं के द्वारा कि आज के डेट में 5 साल के लिए आप लोग किसी गवर्नमेंट को चुनकर लेकर आते हैं। 5 साल के अंदर कोई गवर्नमेंट अगर काम करिए तो सही है, वरना 5 साल बाद आप लोग उसको उखाड़ कर फेंकोगे। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि अगर जो भी उनके द्वारा जो रूल और रेगुलेशन बनाने चाहिए अगर वो नहीं बनाते हैं तो आप लोग उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते कि इनके द्वारा डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है। आप लोग बोलने लगो सबको जॉब मिलनी चाहिए, तो देखिए ये वैसे पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, कि हर एक इंसान को जॉब मिल जाए। क्यों? क्योंकि इतने रिसोर्सेज ही नहीं है देश के अंदर में कि हर एक इंसान को जॉब मिल जाए। पर हाँ, जिसको जॉब मिलेगी यहां पर एक तरीके से यहां पर एक बेस्ट पर्सन को यहां पर कॉम्पिटिशन के थ्रू जॉब दी जाती है, वो आप को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग कहने लगो कि सबको जो मिलनी चाहिए, सबको बेसिकली सारी चीजें मिलनी चाहिए, ये चीजें इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, तो इसीलिए गवर्नमेंट को फोर्स नहीं किया गया यहां पर संविधान निर्माताओं के द्वारा, क्योंकि हम वो जानते थे कि हमारी कंट्री में लैक ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा, तो उनकी खुद की इच्छा से। इसलिए महात्मा गांधी जी से जब पूछा गया, जब यहां पर पार्लियामेंट में कई सारे लोग जा रहे थे कि हम लोग संविधान कैसा बनाएं, आप हमें क्या ऐसा सूत्र देना चाहोगे, फॉर्मूला देना चाहोगे, तो महात्मा गांधी जी ने सबसे प्यारी बात ये बोली थी कि अगर आप लोग कुछ भी संविधान के अंदर बनाना चाहते हैं, फिर पार्लियामेंट में कुछ भी आप लोग करना चाहते हैं, तो हमेशा उस इंसान के बारे में सोचेगा जो सबसे गरीब तबके का सोसाइटी का आदमी आप लोगों ने कभी देखा होगा, कि उसके लिए आप लोग क्या फायदा कर सकते हैं इस पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, तो आप लोगों को सोल्यूशन अपने आप नजर आ जाएगा। समझ गए आप लोग, तो कितने दूरदर्शी थे महात्मा गांधी जी, वहीं बैठे बैठे सारी बातें उन्होंने बता दी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे तो हमारे देश में सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़ाई लड़ी गई थी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, वो एक एलियन रूल था, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा हमारे ऊपर रूल किया जा रहा था और एक थोपा गया रूल था, तो उसको हम लोगों ने हटाकर अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आए। पर लेकिन अगर सोचो जैसा एडमिनिस्ट्रेशन पहले था, ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन अगर बाद में हो जाता, पता चला कि एक तरीके से लोग चेंज हो गए पर ऐसे ही ऐसा काम चल रहा है, लोगों को ऐसे ही सताया जा रहा है, तो वो ऐसे ही होता। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया कि भाई साहब अपनी औकात में रह गए काम करना है, आगे से कोई भी जनता को परेशान करता हुआ नजर नहीं आएगा, जैसे अंग्रेजों के द्वारा बदतमीजी काटी गई है। तो सारी बातें यहां पर संविधान निर्माताओं ने प्रॉपर कोशिश की है कि उसको रखा जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मोरालिटी का जो आइडिया आप लोगों को देखने को मिलता है, एक कमिटमेंट जो रहता है यहां पर कि किस तरीके से हम लोग अपना संविधान है उसको लेकर चलना, आगे रेस्पेक्ट करनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, स्क्रूटनी यहां पर जो कुछ भी रहे गवर्नमेंट के एक्शन की, इसी के साथ में एक लीगल लिमिटेशन भी यहां पर लगाई जाती है पावर के ऊपर। क्यों? क्योंकि वरना सारी चीजें प्रॉपर वे में नहीं चल पाती। तो हमारा संविधान जो है वो इसीलिए आज के डेट में फल फूल रहा है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर बैलेंस बनाकर चला गया सब चीजों के अंदर में। ओके, इसी के साथ में अगर कुछ बातें करें, यहाँ पर बेसिकली बोला यह गया कि जो डीपीएसपी है उनको भी यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं एक जो फंडामेंटल राइट है वो तो आप लोगों ने देखा ही कि एक तरीके से आर्टिकल जो 32 है उनको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, पर राइटर यहाँ पर डीपीएसपी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, यहाँ पर स्पिरिट बोल रहे हैं, आत्मा बोल रहे हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि जनता के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो डीपीएसपी का नाम ही यही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने वाले प्रिंसिपल, ऐसे कुछ ऐसे सिद्धांत जो कि गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई साहब जनता के बारे में सोचो, आप लोग जनता ने आप लोगों को चुनकर यहां पर लाकर बैठा है, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हो आप लोग, यानी कि जनता की पावर अपने हाथ में लिए बैठे हो, तो जनता के लिए कुछ करो। तो इसी के चलते शशि थरूर साहब ये कहते हैं कि रिपब्लिक डे जो अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, अभी आने वाले टाइम में हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह भी सेलिब्रेट करेंगे, तो संविधान हमारा हम लोग को यह बताता है कि हम लोग को याद रखना चाहिए कि संविधान के निर्माताओं ने संविधान बनाते हुए क्या चीजें सोची थी और उसी डायरेक्शन में हम लोग को काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं आप लोगों के सामने जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। एक मैं होमवर्क भी आप लोगों को दूंगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है कि सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसको जाकर आज आप लोगों को रिवाइज करना है, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां कहां से हम लोगों ने अपने संविधान में क्या क्या लिया है, ठीक है, कि कहां से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट ली है, ठीक है, कहां कहां से हम लोगों ने इमरजेंसी के प्रोविजन क्या क्या हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए, तो ये सारी बातें आप लोगों को देखनी चाहिए। मोटे मोटे तौर पर संविधान है कैसा हमारा, तो सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, फ्लेक्सिबल देखने को मिलेगा, फेडरल देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, सोवरन है, जुडिशरी भी आप लोगों को सुपरमेसी में देखने को मिलेगी, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, सेक्युलर स्टेट है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है। अगर कुछ संविधान के बारे में लिखने के लिए आ जाए ना, तो सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजन, थ्री टायर सिस्टम और कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
थ्री टायर सिस्टम और कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन कौन सा संविधान में संशोधन करके हमारे देश में लाएगी, ये भी क्वेश्चन चलिए आप लोग बताइए। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी सारी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अमेंडमेंट कौन कौन से हैं वो भी मैंने आप लोगों को सारे बता दिए अभी रिसेंट के, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, और बेसिक और क्या क्या है यहाँ पर इसके बारे में सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। आई होप कि आर्टिकल बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, पूरा बेसिक कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने होने वाला है, ये वैसे तो आप लोग बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में बात, उसके बेसिकली पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर लेकिन आप लोग आर्टिकल को सुनेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि जो मैंने जिस तरीके से इसको बनाया है तो आप लोग सुनकर मजे में आ जाएंगे। ठीक है, समझते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। बात की जा रही है यहाँ पर इन्वायरमेंटल इशू जो है वो अभी जो उत्तराखंड के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं उसमें इन्वायरमेंटल इशू को काउंट ही नहीं किया गया है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली उत्तराखंड कहां पर है मैप में आप लोग एक बार देख लीजिए, ये उत्तराखंड हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये उत्तराखंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे, तो यहाँ पर 14 फरवरी, यानी कि एक बच्चा बोला है सर वैलेंटाइन डे खराब कर रहे हैं इलेक्शन रखकर यहाँ पर, यानी देख रहे हो कि इलेक्शन आप लोगों को उस दिन हो रहा है जिस दिन आप लोगों का वैलेंटाइन डे, आप लोग वोट डालने के बाद में पूरे दिन फ्री हो, अगर काम भी कर रहे थे कहीं आप लोगों की कोचिंग वोचिंग क्लासेज वगैरह चल रही थी सब कुछ फ्री रहेंगी। ठीक है, ये देखो ना उसके बाद में एंजॉय करना मॉर्निंग वोट डाल के, तो ये इस तरीके से पॉजिटिव साइड देखा करो यार, टाइम मिल रहा है आप लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। 14 फरवरी जो है यहाँ पर अगर बात करें तो ये यहाँ पर उत्तराखंड असेंबली का इलेक्शन डे है। वैसे कई कई यहाँ पर राज्य के अंदर इलेक्शन की बात की गई थी पर कुछ जगह यहाँ पर पोस्टपोन भी किए गए अभी, खासकर अगर पंजाब के अंदर बात करें। तो बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट को जो इन्वायरमेंट को कंपेन का इशू नया बनाकर बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री में जो अभी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चला है उसको लेकर भी यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, पर लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं की गई है इन्वायरमेंट के बारे में। अभी हुआ क्या था, सबको यहां पर एक सिंगल बोर्ड के अंदर लाने की बात की गई थी, हालांकि बाद में उसको एंड कर दिया गया क्योंकि अपोजिशन देखने को मिली प्रिस्ट से, जो भी यहां पर जो पुजारी थे उनके द्वारा अपोजिशन की गई। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं यहां पर जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा बोला भी गया यहां पर। बेसिकली देखिए अभी रिसेंटली 3 चीफ मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं यहां पर उत्तराखंड के अंदर में। तीर्थ सिंह रावत थे यहां पर, उनको रिप्लेस किया गया उनके बाद में। यहां पर पहले थे यहां पर मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम अभी कई सारे चेंज हो चुके हैं। तो जो धामी साहब हैं उनके द्वारा बोला गया कि जो यहां पर बोर्ड बनाने की बात की गई थी वो एक गुड इनिशिएटिव था, पर लेकिन यहां पर डिस्कशन किया गया फिर उसको रोल बैक कर दिया गया, तो उसमें कोई मुद्दा नहीं है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट है यहां पर यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और यहां पर बद्रीनाथ, इनके बारे में याद रखिएगा। यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले आप लोगों से पूछ ले कि कहां से निकलकर आती है यहां पर यमुना रिवर। तो याद रखिएगा यहां पर ये यमुनोत्री आप लोगों यहां पर देखने को मिल रहा है, इससे यहां पर चीजें आप लोगों के सामने नजर आती है। आगे चलकर गंगा में मिल जाती है और यहां पर ये गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ठीक है, गंगोत्री गंगा आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको स्टार्टिंग में भागीरथी बोलते हैं, आकर मिल जाती है यहां पर देवप्रयाग पर। ठीक है, तो यहां पर देवप्रयाग याद रखिएगा, यहां पर भागीरथी उससे याद है इसको गंगा बोल देते हैं। ठीक है, इधर आएंगे तो मंदाकिनी होती है, मंदाकिनी कहां पर आकर बोलती है, ये रुद्रप्रयाग पर आकर मिलती है। ठीक है, अलकनंदा आप लोग को देखने को मिलेगा यहां पर, ये बेसिकली आकर मिलती है यहां पर नंदप्रयाग पर। इसी के साथ में पिंडार जो गंगा है यहां पर ये कर्णप्रयाग पर आकर मिलती है यहां पर। ठीक है, और यहां पर ये विष्णुप्रयाग हो गए जहां पर धौली गंगा आकर मिलती है। तो ये प्रयाग है जिनको कॉन्फ्लुएंस पॉइंट बोला जाता है, यानी कि जहां मीटिंग पॉइंट बोला जाता है। तो कई बार आप लोगों से पूछ ले आते हैं इन प्रयाग के बारे में, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को इनके बारे में बता देता हूं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बातें बोली गई, ये बोली गई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उनके द्वारा रीडेवलपमेंट की बात की गई केदारनाथ की। रीजन क्या था केदारनाथ को रीडेवलपमेंट करने का, ये आप लोगों ने केदारनाथ मूवी देखी होगी, पूरा जो एरिया था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो उसके चलते उसको रीडेवलपमेंट करने की बात की गई थी। तो यहां से बार बार हर एक पॉलिटिकल पार्टी उसी के बारे में बात करी है। ये ठीक है कि एक तरीके से डबल इंजन ऑफ ग्रोथ भी बोला गया कई सारी चीजों को यहां पर सेंटर के द्वारा उत्तराखंड गवर्नमेंट के चलते। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब यह कि जो इन्वायरमेंट का मुद्दा था उसको साइड में रख दिया गया उठाकर। अभी यहां पर यह काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर लखवर याद रखिएगा, लखवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है 8,700 करोड़ रुपए वर्थ का यहां पर बनाने की बात की जा रही है इसको प्रॉपर वे में। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें आप लोग बेसिकली मछली पालन कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके से आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहां पर है जो कि यहां पर आने वाले टाइम में एक ढांचागत विकास भी आप लोग करता हुआ नजर आएगा, पर लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में बातें नहीं की कि इतना बड़ा ढांचा आप लोग बना रहे हैं तो इन्वायरमेंटलिस्ट ने बोला कि भाई साहब यहां पर बर्बादी हो जाएगी, पर लेकिन लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया, उसके बारे में फोकस ही नहीं किया गया। अगर ये प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों से बात करूं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आप लोग आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेंगे। प्रोजेक्ट जो है यहां पर ये साइन किया गया था एक एमओयू 6 राज्य के द्वारा मिलकर कि लखवर डैम बनाया जाएगा। कहां पर ये बनाया जाएगा, यमुना रिवर के ऊपर। तो याद रखिएगा यमुना रिवर के ऊपर लखवर डैम बनाने की बात की गई। तो यहां पर वाटर रिसोर्स मिनिस्टर जो है उनके द्वारा एक एमओयू यानी कि एक तरीके का एग्रीमेंट साइन किया गया यमुना बेसिन के साथ में मिलकर बेसिकली। तो उत्तर प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड 3 तो ये है, हिमाचल प्रदेश हरियाणा 1 ये, और एक है यूनियन टेरिटरी दिल्ली। तो 6 ग्रुप हैं जिनके द्वारा मिलकर काम किया गया और यहां पर ये एक प्रोजेक्ट बनाने की बात की ताकि आने वाले टाइम में
इसका फायदा उठाया जा सके। जो यहाँ पर लखवर प्रोजेक्ट है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर बूस्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। इसी के साथ में प्रोजेक्ट जो है वो 300 मेगावाट पावर प्रोवाइड कराने की बात करें, ठीक है। और यहाँ पर कौन इसको लीड करेगा, तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यहाँ पर इसको लीड करने वाला है। अभी यहाँ पर जो लखवर है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, थर्ड एक मेजर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर रेणुका जी और यहाँ पर किसु, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और यहीं से ही पानी जो है वो दिल्ली के लिए पहुंचाया जाता है, जो यमुना रिवर के थ्रू होता हुआ यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर ने यमुना रिवर, तो हालांकि मुझे याद आ गया क्योंकि मैं जहाँ पर रहता था मैंने पूछा पहली बार मैं जब दिल्ली में रहा, मैंने कहा अंकल जी पानी कैसा है, आरओ वगैरह लगा हुआ कि नहीं रहा, कह रहे कि बेटा गंगा का पानी आता है बिल्कुल साफ सुथरा, वो सॉरी यमुना का पानी आता है साफ सुथरा। मैंने कहा यमुना भी साफ सुथरी है, मैंने कहा अंकल जी कम से कम आरओ लगाने का तो जुगाड़ करवा देते। तो फिर वो प्योरेट ले गया था प्योरीफायर, मुझे याद आया था, कह रहे यमुना का पानी आता है बिल्कुल साफ सुथरा। मैंने कहा अच्छा जी अपने घर में प्योरेट लगा रखा है, तो ऐसे होते हैं भाई साहब, चलिए जो भी है। तो यहाँ पर जो दिल्ली को पानी मिलता है, जो भी बड़ी बड़ी पाइपलाइन लाई गई है, तो यहाँ से निकालकर वो पानी यहाँ तक पहुँचाया जाता है कि आने वाले टाइम में दिल्ली की आप लोगों को पता है काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और यहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर बात करें मिलियन गैलन पर डे यहाँ पर डेफिसिट रहता है, 200 मिलियन गैलन पर डे रिक्वायरमेंट है, 1113 मिलियन गैलन पर डे। आने वाले टाइम में डिमांड और बढ़ने वाली है, तो उसके चलते ऐसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर ऐसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में पानी नहीं रहेगा, तो लोग क्या कहेंगे कि देश के कैपिटल में पानी नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा, ओके। तो यहाँ पर रेणुका जी जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये याद रखिएगा गिरी यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है गंगा रिवर की, तो ये देखिएगा। इसी के साथ में कासू जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर, ये टोन रिवर है यहाँ पर, टोन्स रिवर, ठीक है, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है जहां पर ये बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यहाँ पर काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटलिस्ट जो है ये बोल रहे हैं कि ये हाई सिस्मिक जोन है यार, यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है, पहले भी यहाँ पर ऐसी हरकतें देखने को मिली है, आप लोग समझ ही नहीं रहे मतलब क्या इसका। अगर हमारी कंट्री को देखोगे तो चार अर्थक्वेक जोन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पहला ये है जो जोन, सेकंड है काफी कम आप लोगों को यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, नॉर्मली इस एरिया को बात करें स्टेबल है, ठीक है। येलो वाला जोन थर्ड में आ जाता है, बाकी थोड़ा सा यहाँ पर ये ब्राउनिश और फिर रेड जो है ये जोन फाइव में, तो कुछ रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा रेड यानी कि फोर्थ और फाइव में आ जाता है, जहां पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो इतने बड़े बड़े डैम के प्रोजेक्ट अगर यहां पर बनाओगे तो ये एक तरीके से कल को दिक्कत में आप लोगों को डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझकर आप लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर उत्तराखंड फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर उनके द्वारा लॉन्च किया गया, इसको बोलते हैं यहाँ पर, ये काफी अच्छा है, नेचर विद्या, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर, नेचर विद्या को याद रखिएगा यहाँ पर। ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है ताकि लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाया जा सके। तो इन्वायरमेंटल हिंदी रिसोर्सेज फॉर टीचर गवर्नमेंट स्कूल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ताकि बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में नेचर विद्या को पढ़ाया जा सके, यानी कि इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश की जा रही है। पर बच्चों को तो इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं, पर रियलिटी में इलेक्शन में उसके बारे में बातें नहीं कर रहे, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में नेशनल सिक्योरिटी और वेलफेयर के भी बारे में बात की गई, पर लेकिन यहां पर रियलिटी में इन्वायरमेंट के बारे में बात नहीं की गई। अभी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जी थे यहां पर विपिन रावत साहब, जो हमारे बीच में भी नहीं है, उनके जो भाई हैं उनको अभी यहां पर बेसिकली ज्वाइन किया गया बीजेपी में, ठीक है। आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो भी यहाँ पर रिटायर आर्मी कर्नल को अपना चीफ मिनिस्टर फेस बना रहे हैं। एक्स सर्विस जो मैन है वो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से सारे, यानी एक मिस्टर धामी साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर साहब, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ मैं भी सन ऑफ द सोल्जर हूँ। तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स बेसिकली काफी लार्ज स्केल पर लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि हाँ भाई साहब हम भी इसी एरिया से निकल कर आते हैं ताकि वोट ज़्यादा मिल सके, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर प्रॉमिस किया गया फ्री वाटर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है, बैटरी स्कूल बनाने के बारे में, ये इसी के साथ में यहाँ पर बोला गया किसके बारे में, इकोलॉजिकली जो फर्टाइल उत्तराखंड है उसको छोड़कर सारी बातें यहाँ पर बोली गई, तो ये राइटर बोल रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट मैंने बताए हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं आप लोगों से, अभी यहाँ पर इसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं ये आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है इंडिया और जर्मनी के बारे में। देखिए जो यहाँ पर राइटर साहब है ना, वो राइटर साहब मैंने आप लोगों को अभी बताया, वो राइटर हैं जर्मनी के, बेसिकली हमारी कंट्री में एम्बेसडर, तो उनके द्वारा तो अपनी भावनाएं लिखी गई हैं, पर लेकिन उनकी भावनाएं जो हैं वो हम लोग अपने हिसाब से लेकर चलेंगे, उनके हिसाब से उनकी भावनाएं अपने एग्जाम में हम लोग को नहीं लिखनी है, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या क्या बातें बोली गई, उनके द्वारा बोली गई कि इंडिया और जो यहाँ पर जर्मनी है वो चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं। अभी यहाँ पर एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे दोनों, जिसके चलते यहाँ पर बेसिकली जर्मनी से जो नेवल जो शिप है वो हमारे देश में भी लैंड किया 20 जनवरी को, तो उसके चलते हम लोग आगे चीजों को लेकर चलने वाले इंडिया और जर्मनी के रिलेशन को। तो ये कुछ बातें इनके द्वारा बोलेगी। पहले जर्मनी लोकेशन कहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, तो अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर है, यहाँ से आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जर्मनी देखने को मिलेगा।
तो जर्मनी आप लोगों के सामने हो गए यहाँ पर। तो बोला यह गया कि अभी हम जो है अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो जर्मनी उसमें काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, जर्मनी जो है उसको एक तरीके से गेटवे माना जाता है यहां पर कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के अंदर, अगर इंडिया एंट्री करना चाहते हैं। हमारी कंट्री में 1.3 ठीक है ट्रिलियन 1.3 बिलियन सॉरी बिलियन के करीब जो यूरो है वो यहां पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है जर्मनी के द्वारा। याद रखिएगा हमारी कंट्री का सिंबल आप लोग रुपी का पता है ये वाला है, ठीक है। डॉलर का आप लोग को ये देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं पाउंड, ठीक है, ऐसे जब बनता है। और ये वाला जो होता है इसको यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं ये सिंबल को यूरो, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन के लगभग 19 देश ऐसे हैं जो कि यूरो करेंसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी टोटल मिलाकर कितने देश हैं वो है 27। तो कुछ को लगता है अपनी करेंसी फॉलो करनी चाहिए, सारी इनकी मानेंगे क्या? अभी यहां पर जो जिसे हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, तो जर्मनी के अंदर में चांसलर होती हैं, तो एंजेला मार्कल थी लगभग 16 साल तक चांसलर रही यहां पर। अब अलग अलग लीडर आ गए जिनका नाम है ओल्फ स्कूल्स, तो उनके साथ ही मिलकर हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दिसंबर में अभी यहां पर उनका पैटर्न चेंज हुआ, तो आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा कि मिलकर काम कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा इनके द्वारा बोला गया, बोला यह है कि अभी फिलहाल जो है G7 की जो प्रेसिडेंसी है वो जर्मनी के पास में रहने वाली है, ठीक है। G7 में कौन कौन मेंबर है बताइए जरा। इसी के साथ में बोला गया कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो भी यहां पर दिसंबर में इंडिया के पास में आएगी, क्योंकि ये यहां पर इंडिया के पास में आएगी, यहां पर अभी इंडोनेशिया के पास में और इटली के पास में थी, तो इस तरीके से हमको मिलेगी अब यहां पर, ठीक है। I3 भी जिसको बोलते हैं नॉर्मली, तो आने वाले टाइम में हम लोग मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। और ग्लासगो में जो इंडिया के द्वारा कमिटमेंट किए गए थे यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 यहां पर हुई थी, तो हम लोग उसका जो टारगेट थे वो हम लोग अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो ये कई सारी बातें इनके द्वारा बताई गई है, ठीक है। तो इनकी जो राम कहानी है वो इतनी थी जो कि यहां पर बोले थे हम ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर एग्जाम में ये इनके ऐसे वैसे आप लोगों के काम नहीं आने वाले हैं। तो फिर क्या काम आएगा, अब मैं आप लोग कुछ बातें बताऊंगा जिसके बारे में बेसिक चीजें आप लोग यहां पर याद रखते हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें यहां पर इंडिया और जर्मनी के रिलेशन के बारे में, तो अलग अलग पैटर्न में आप लोग इसको डिवाइड करना है, अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो IR जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो चैप्टर है पेपर है उसमें आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। इंडिया और जर्मनी जो है यहां पर उनकी जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी वो स्टार्ट हुई थी 2000 में, ठीक है। 2000 में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि दोनों कंट्री के अंदर जो एम्बेसी का जो एक्सचेंज हुआ था यहाँ पर वो था 1952 में, यानी कि बहुत पुराना याराना है रे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आज नए नए बने और चल के यहाँ पर आइए याराना करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पुराना याराना आप लोग को देखने को मिलेगा। आज की डेट में जर्मनी कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि यूके जो था काफी पावरफुल देश था वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। यूएसए और चाइना की जो लड़ाई है वो कई बार इनको भारी पड़ जाती है। रशिया के साथ में जो लड़ाई है यहाँ पर यूएसए की वो भी भारी पड़ जाती है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा जो गैस पाइपलाइन है उसको रोकने की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ में जो यहाँ पर जो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि यहाँ पर इनको झेलने पड़ते हैं, पर लेकिन आज के दिन बात करें इंडिया के साथ में इनके रिलेशन अच्छे हैं। अगर बात कीजिए अभी इंडिया ने इनवाइट किया था जर्मनी को कि अपॉर्चुनिटी हमारी डिफेंस सेक्टर में आकर इन्वेस्टमेंट करें उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर जो हम लोग कॉरिडोर बना रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में इकोनॉमिक जो है यहाँ पर उसमें हम लोग यूरोपियन यूनियन में एंट्री कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन हमारी चल रही है जर्मनी के साथ में। क्लाइमेट मुद्दे पर जर्मनी बिल्कुल ऐसे है जैसे कॉकरोच रोज कोच और एक का क्या होता है, तीन नाम थे ना, कॉकरोच रोज कोच और कोर कोच कॉकरोच रोज कोच और कॉकरोच कोर कोच कोर कोच ऐसे ही जर्मनी जनवरी, ठीक है। एक बच्चे ने लिखे थे सारी चीजें कभी कभी याद आती है, ऐसी चीजें ना कई बार ना हमने मूड लाइट कर देती है कई बार, ठीक है। तो अभी अलग अलग फील्ड में आप लोगों को मैं चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कहीं एनर्जी के फील्ड में, कहीं इन्वायरमेंट के फील्ड में। इसी के साथ में अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आज की डेट में हम लोग क्लाइमेट के फील्ड में काम करें, ठीक है। अगर बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी कई बार हम लोग मिलकर काम करते हैं। बाकी बायलेटरल रिलेशन में हम लोग बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैंने बता दिया कि काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया था जर्मनी कंपनी के द्वारा, हमारी कंपनी भी यहाँ पर जाकर इनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है। NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जर्मनी हमको सपोर्ट करता है। G4 कंट्री जिनको आप लोग बेसिकली बोलते हैं कि ये कंट्री भी इनको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूएन की, इसमें कौन कौन आता है G4 कंट्री में, तो याद रखिएगा यहां पर ब्राजील, जापान, इंडिया और जर्मनी, तो ये मिलकर काम करते हैं कि यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में इनकी सीट होनी चाहिए। साइंस एंड टेक में मिलकर हम लोग काम करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग मिलकर काम करते हैं। जर्मनी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को आप लोग यहाँ पर मिलेंगे। कहने का मतलब है कि हमको सपोर्ट करते हैं कई जगह जर्मनी की अगर बात करें, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर जर्मनी के और हमारे रिलेशन जो है वो अलग अलग डायमेंशन में आप लोगों को लिखना है, ना कि यहाँ पर उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं वो दो चार बातें आप लोग लिख दोगे। बाकी कुछ और बातें मैंने बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड करा दी हैं।
साइंस एंड टेक में कोऑपरेशन में एग्रीमेंट किया गया था इंडिया और जर्मनी के अंदर में। सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल पार्टनर है साइंस एंड टेक में कोऑपरेशन करने वाला। इसी के साथ में इंडिया और जर्मन जो है उनके द्वारा सेंटर स्टेब्लिश किया गया था 2008 में। इसरो जो है उनके द्वारा लॉन्च किए गए थे 10 जर्मन सेटेलाइट सिंस 1998। अब तो यहाँ पर और आगे बढ़ सकते हैं। 150 ज्वाइंट रिसर्च हमारे देखने को मिलेंगे और 70 डायरेक्ट जो पार्टनरशिप देखने को मिलेगी दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो ये मिलकर काम करते हैं। तो ये है वो बातें जो आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों को यहां पर मैं बताने वाला हूं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू पहले देता हूं, फिर एक्स्ट्रा आर्टिकल आप लोग सुनिएगा। आखिर हुआ क्या है, अभी हमारी कंट्री में एक कैडर पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या किया गया, उसमें ये किया गया कि जो आज की डेट में हमारी कंट्री में बेसिकली होता क्या है, किसी को डेप्यूटेशन पे भेजना होता है। तो डेप्यूटेशन पे जब भेजना होता है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट पर, तो यहाँ पर कई सारे राज्य जो है उसमें आनाकानी करते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में अब तक का 280 ऑफिसर्स में से ओनली 11 को डेप्यूटेशन पे भेजा गया है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान के द्वारा 247 में से ओनली 13 को डेप्यूटेशन पे भेजा गया है। तेलंगाना के अंदर 208 में से ओनली 7 को डेप्यूटेशन पे भेजा गया है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में राज्य गवर्नमेंट से अगर ऑफिसर नहीं जाएंगे तो राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कैसे चलेगा, उनको भी तो अपना दुनियादारी चलानी है। तो ये दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसी के चलते कई सारे इशू यहाँ पर निकल कर आते हैं। ठीक है, तो बात ये की जाती है कि भाई साहब डेप्यूटेशन पर भेजो, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है, तो अच्छे से सुनिएगा डिटेल में, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। ये वाला आर्टिकल आप लोगों को ध्यान से बनकर सुनना है, क्योंकि आगे अगर आप लोग यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पर्सनल लाइफ में भी काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर पहुंचाने वाला होगा। तो आप लोगों को एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, वैसे भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। दीपक रावत सर की वीडियो आप लोगों ने कई बार देखी होगी। यहाँ पर एक ऐसे नहीं, इनको देखने के बाद में कई सारे लोग फील करते हैं कि हाँ यार आईएएस ऑफिसर हो तो ऐसा हो, पर लेकिन क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आईएएस ऑफिसर को, तो कई सारी बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। आखिर ये आर्टिकल न्यूज में क्यों आया है और क्या है यहाँ पर ये कैडर पॉलिसी, तो वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे, डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए हमारी कंट्री में जो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है। इन्हीं के द्वारा काफी बड़ा समर्थन किया गया था जब हमारी कंट्री में आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज और ऑल इंडिया जो सर्विसेज होती हैं, ये यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि पूरे देश को बांध कर रखती हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें आप लोगों को प्रीलिम्स देना होता है, मेंस देना होता है और इसके बाद में इंटरव्यू देना होता है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, इस पूरे प्रोसीजर में फिर सिलेक्शन होने के बाद में फिर आप लोगों की ट्रेनिंग होती है देहरादून के अंदर, मसूरी के अंदर। ठीक है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर जब ट्रेनिंग आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर आप लोगों को कैडर दिए जाते हैं कि किस किस राज्य में आप लोग जाकर जॉब करोगे अपने। पर लेकिन आप लोग ये समझिए, आज की डेट में हमारी कंट्री में डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या फिर अलग अलग इतनी दुनिया भर की मिनिस्ट्री है हमारे देश में, होम मिनिस्ट्री होगी, इनमें सारी जगह कोई ना कोई आप लोगों को सेक्रेटरी, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी देखने को मिलेगा। वो कहां से आते हैं, जब सारे राज्य के अंदर जब जो है सारे ऑफिसर जो है वो राज्य के अंदर चले जाते हैं कि हाँ आज की डेट में इसको ये यूपी कैडर मिल गया, किसी को तमिलनाडु, किसी को गुजरात कैडर मिल गया, किसी को आसाम कैडर मिल गया, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ऑफिसर कहां से आते हैं जब यहां पर इनके द्वारा ऑफिसर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं कि यहां पर ये जो है हमारी कंट्री में कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए। ठीक है, ये हमारी कंट्री के पर्टिकुलर इस पोस्ट पर यहां पर अपॉइंट कर दिया, वो तो सारे स्टेट में चले जाते हैं, तो फिर यहां पर कैसे ऑफिसर्स आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे नॉर्मली ये डेप्यूटेशन से आते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो डेप्यूटेशन से ऑफिसर आते हैं और वो यहाँ पर अपनी जो सर्विस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं स्टेट गवर्नमेंट से निकलकर। पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पहले यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करती है रिक्रूटमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट को फिर वो ऑफिसर्स मिल जाते हैं ताकि हमारी कंट्री में एक संघवाद का ढांचा प्रॉपर वे में चलता रहे, एक फेडरल सिस्टम वो आगे बढ़ता रहे। अगर इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं तो अगर आज की डेट में आप लोग देखोगे हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स कंट्री है कि एक कनेक्टिंग लिंक की जरूरत है, तो ये माना जाता है कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती है, यहां पर पॉलिसी बनाने का काम करती है। सारे जो भी टॉप पॉलिसी फॉर्मेशन होती है पॉलिटिशियन नहीं बनाते हैं, आप लोगों को लगता है कि पॉलिटिशियन उसने ये पॉलिसी बना दी वो पॉलिसी बना दी, वो बस फेस होता है उनका, बाकी सारी पॉलिसी जो होती है वो नीचे बैठकर ये करते हैं जो भी आईएएस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, इनका पूरा काम होता है। तो पूरे फ्रेमवर्क को, इतनी वास्ट कंट्री डाइवर्स कंट्री को जो जोड़े रखने का काम करते हैं वो यही ऑफिसर्स करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब यहां पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोल रहे थे तो उनके द्वारा काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई थी, इसलिए ये मैंने हिंदी में भी लिख दी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना के पूछ लिए आते हैं कि इसके ऊपर कमेंट कीजिए। इनके द्वारा यहां पर क्या बोला गया था, इनके द्वारा यह बोला गया था द यूनियन विल गो, यू विल नॉट हैव ए यूनाइटेड इंडिया।
इफ यू हैव नॉट ए गुड ऑल इंडिया जो सर्विसेज, यानी कि अगर आप लोगों के पास में ऑल इंडिया सर्विसेज, अच्छी ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं होती, तो आज की डेट में हमारा कंट्री जो है वो इस तरीके से यूनाइट नहीं होता। जो अखंड भारत हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर, वो हमारा भारत नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि एक तरीके से हमारे पास में, तो इसके चलते हमारे पास में एक जो हम लोग स्वतंत्र, जो हम लोग एक देश को जी रहे हैं, तो एक स्वतंत्र हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से एक यूनाइटेड देश हमारा आगे बढ़ रहा है, उसमें ये जरूरी है कि अपनी बात रखने वाला, अपने मन की बात कहने वाला एक इंडियन सिविल सर्वेंट वहां पर होना चाहिए, ना कि उसको कोई प्रेशर करे, एक इंडिपेंडेंट इंसान होना चाहिए, और उसी की वजह से सारी बातें पॉसिबल हो पा रही हैं। यानी कि आज की डेट में अगर एक आईएएस ऑफिसर जो है वो अपनी ढंग से बातें रख पाता है, सारी चीजें ढंग से अपना काम कर पाता है, तो ही हम लोग एक सही डायरेक्शन में चल पाएंगे, ये बोला गया। ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है, अगर उसके बारे में यहां पर बात की जाए, यहां पर जब भी आप लोग यहां पर जाते हैं तो सेंट्रल के डेप्यूटेशन पे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके चलते होता क्या है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपस में कंसल्ट करते हैं, और जो ऑफिसर जाता है उससे भी पूछा जाता है। आप लोग ये समझिए, जैसे दीपक रावत साहब जो है आज की डेट में, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में, अगर कल को चलकर इनको सेंटर पे डेप्यूटेशन पे भेजा जाता है, तो यहां पर क्या करेगी, एक लिस्ट तैयार करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जो लिस्ट तैयार करेगी उसमें इनकी सहमति भी होना जरूरी है कि हाँ मुझे सेंटर पे डेप्यूटेशन पे जाना है काम करने के लिए। तो यहां पर जब स्टेट गवर्नमेंट की सहमति होगी और जिस पर्टिकुलर ऑफिसर्स को जाना है उसकी सहमति होगी, तो वो लिस्ट जो है फिर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेजी जाएगी कि भाई साहब इनमें से चूज कर लो कौन आप लोगों को यहां पर चाहिए। तो उस लिस्ट में से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करती है जितना भी उसको रिक्वायरमेंट होती है, और फिर वहां पर वो आगे चीजें बढ़ जाती है। यानी कि यहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट यहां पर मनाई करने लगे पर्टिकुलर पर्सन को, तो फोर्स ही नहीं किया जा सकता है यहां पर, एक पर्टिकुलर सिस्टम को अगर ध्यान में रखते हुए चला जाए तो ये पूरा पैटर्न आप लोगों को यहां पर इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। और ये साफ साफ बोला भी गया, अगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक अच्छा माहौल आप लोग देश के अंदर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऑफिसर जो है उसकी विल के अगेंस्ट जाकर, यानी कि अगर वो नहीं चाहता है कि उसको सेंटर में डेप्यूटेशन पर जाना है, तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है आनंद फानंद में कोई डिसीजन ले लेंगे कि हाँ भाई इस इंसान को भेजना ही भेजना है, और स्टेट जो है वो एक लिस्ट तैयार करेगा, वो उससे पूछेगा कि तुम जाना चाहते हो या फिर नहीं, ऐसे अपनी मन मर्जी से यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि वही ऑफिसर जो है यहाँ पर डेप्यूटेशन पे भेजे जाएंगे, जिसमें सेंटर और जिसमें स्टेट और ऑफिसर जो है वो दोनों यहाँ पर एक तरीके सेटिस्फाई है, ठीक है। तो स्टेट करेगा फिर रिवील कि हाँ जो सेटिस्फाई है, भाई साहब तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो। पर लेकिन ये चीजें यहीं पर ही नहीं रुकती है, यहां से फिर माहौल स्टार्ट होता है। आप लोगों को पता है कि जितनी चीजें दिखाई देती है अच्छी उतनी चीजें होती नहीं है, अंडरग्राउंड एक अलग ही पैटर्न चल रहा होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के में इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो छोड़ते हुए नजर आते हैं, उनको जो लगता है प्रॉपर वे में जहां पर अपनी जिंदगी को और ज्यादा प्रोडक्टिवली वो यूटिलाइज कर पाते हैं, वहां पर वो काम करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रीजन इसका यही है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन यहां पर क्या है, यानी कि यहां पर एक दुर्भाग्य वाली बात यह है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो यहां पर पॉलिटिकल मुद्दे आते हैं, तो वो सारी गरिमा लांग जाते हैं। यानी कि जब उनको इलेक्शन की और जब उनको पावर की बात आती है, तो आपस में इस तरीके से लड़ते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली लड़ रहे हैं, जबकि हमारे संविधान में जब संघवाद के ढांचे के बारे में बात करते हैं, तो चाहते हैं कि एक प्रॉपर वे में चीजें चलती रहें, पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं यहां पर, अभी आप लोग समझेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी 4 अमेंडमेंट लाने की बात की गई है, जो कि रूल 6(1) यहां पर आईएएस कैडर रूल 1954 के अंदर इसमें चेंज किया जाएगा। और ये पूरा क्या रहता है, ये डेप्यूटेशन की बात की जाती है। यानी कि जब यहां पर डेप्यूटेशन किया जाता है, तो यहां पर ये बोला गया, अभी इस सेंट्रल के द्वारा राज्य से पूछा गया कि आगे से अगर किसी को डेप्यूटेशन में दिया जाएगा, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे दी गई है डिसीजन लेने की कई सारे मुद्दों को लेकर। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अब मनमानी कर पाएगी डेप्यूटेशन को लेकर। तो इसके ऊपर राज्य से सलाह मांगी गई कि जो रूल हम लोग अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, 4 जो अमेंडमेंट हम लोग इन रूल में ला रहे हैं, इनसे आप लोग कितना सहमत है। तो 25 जनवरी से पहले स्टेट गवर्नमेंट को अपना रिप्लाई देना है। तो कई सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर सदमे में आ गई है इस रूल को लेकर, और वो यहां पर इसको लेकर चिंता जता रही है अपनी। अभी यहां पर एक मुद्दा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बारे में क्वेश्चन भी डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। बोला यह जा रहा है कि आज की डेट में रूल क्या है कि अगर कोई भी स्टेट कैडर का ऑफिसर अगर यहां पर सेंट्रल डेप्यूटेशन पे जाएगा तो कहां पर काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखने को मिलेगा डेप्यूटेटी सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा, या फिर किसी दूसरे स्टेट में भी उसको भेज सकते हैं, या फिर पीएसयू जो हमारी कंट्री में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके अंदर भी उसको भेज सकते हैं। तो यहां पर ये रूल बोलता है, जो रूल 6 और यहां पर रूल 6 का पार्ट 1 आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सारा काम करता है। तो यहां पर मुद्दा क्या हो गया, मुद्दा यहां पर ये हो गया, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप लोग यहां पर कंफ्यूजन में भी डाल सकता है, कि अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है इन मुद्दों के ऊपर, यानी कि अगर यहां पर सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि मैटर जो है उसके हिसाब से चलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे संविधान के अंदर जब आप लोग जाकर झांकते हैं, तो आप लोगों को यहां पर 7वां शेड्यूल दिखाई देता है। इस 7वें शेड्यूल में आप लोगों को 3 लिस्ट दिखाई देंगी, एक तो होती है केंद्र की लिस्ट यानी कि सेंटर की सूची, दूसरी होती है स्टेट की लिस्ट यानी कि राज्य की सूची, और तीसरी है कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची।
सूची जिसमें दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। पर लेकिन जो ये समवर्ती सूची है जिसमें दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अगर सेंट्रल स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो है वो प्रिवेल की जाएगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो बोलेगी वो माना जाएगा। तो ये मुद्दा यहां पर देखने को मिलता है और यही मुद्दा यहां पर कैडर रूल पॉलिसी के अंदर भी देखने को मिलता है। बात यहां पर ये निकल कर आती है, आज की डेट में जब यहां पर ऐसी मनमानी चलने लगती है तो कई सारी इश्यूज यहां पर निकल कर आते हैं। जो अगर बात करें जुलाई 2001 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, तमिलनाडु कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर थे, उनको डेप्यूटेशन पे बुलाने की बात की गई, ठीक है। तो सेंट्रल ने अपने आप डिसीजन यहां पर ले लिया, तो इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु के बीच में रस्साकसी देखने को मिली। सेम कंडीशन अभी आप लोगों ने देखा होगा, वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत बड़ी हाहाकार मची थी इसी मुद्दे को लेकर, ठीक है। हमने कई सारे एडिटोरियल भी डिस्कस किए थे उसके उस टाइम पर उसके ऊपर। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेम काम किया गया था, 3 आईपीएस ऑफिसर को यहां पर डेप्यूटेशन पे बुलाने की बात की गई, जिसके चलते मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसी के साथ में अभी रिसेंटली हां तो हद ही हो गई थी जब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चीफ सेक्रेटरी जो वेस्ट बंगाल के होते हैं, ठीक है, जो कि एक हाईएस्ट पोस्ट आप लोग यहां पर देखते हैं, उनको बेसिकली बुलाया गया। वो भी कब, जब उनकी सर्विस का लास्ट डे था, वो खत्म होने वाला था, उसको डेप्यूटेशन पे बुलाया गया, उन्होंने डेप्यूटेशन पे जाने से मना कर दिया। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनके कल पर्सन रिटायर होने वाला है, कल या परसों, और उस इंसान को डेप्यूटेशन पे बुलाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको पनिशमेंट करने उसको पनिश करने की कोशिश की जाती है। तो ये मुद्दा देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो कुत्ते बिल्ली की तरह फिर लड़ते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो यानी कि यहां पर एक अपनी गरिमा लांघते हुए नजर आएंगे यहां पर, जब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। और ये सारी क्या चीजें होती हैं, ये सारी होती है बदले की भावनाएं, यानी कि सामने वाले पर्सन को सबक सिखाने वाली बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ऐसा ही यहां पर देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसी हरकतें करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हरकत करती है। अगर कोई ऑफिसर जो है वो डेप्यूटेशन पे जाना चाहता है और उसकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में अच्छी नहीं बनती है, तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट फिर उसका नाम बेसिकली रिलीज नहीं करती है, उसको आगे नहीं जाने देती है बदले की भावना से। ऐसा ही एक ऑफिसर देखने को मिला था, सीनियर ऑफिसर तमिलनाडु के अंदर में, ऐसी ही एक इशू यहां पर निकल कर आया था। उनके द्वारा सीबीआई को ज्वाइन करने की बात की गई थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, पर लेकिन उनको बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्लियरेंस ही नहीं दिया जा रहा था। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी यहां पर बदले की भावना से कई बार ऐसे काम करती हुई नजर आती है। अब यहां पर पिस्ता कौन है, पिसे का बेचारा बीच में आईएएस ऑफिसर, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए कमर कस लीजिए, यहां पर और भी कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जो यहां पर 4 अमेंडमेंट इनके द्वारा करने की बात की जा रही है, तो 2 अमेंडमेंट तो ऐसे हैं, चलो ठीक है वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन 2 अमेंडमेंट ऐसे हैं जो कि राज्य गवर्नमेंट की भौहें सिकोड़ रहे हैं, यानी कि राज्य गवर्नमेंट को टेंशन में ला रहे हैं। पहला अमेंडमेंट क्या है, पहला अमेंडमेंट यहां पर ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर फिक्स्ड नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डेप्यूटेशन पे भेजेगी हर साल, यानी कि डिसाइड कर लिया इतने आने हैं तो इतने आने हैं, तो यानी कि एक तरीके से फिक्स कर दिया। अब आप लोगों को पता है कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर की कमी है आज के में, और यहां पर इस तरीके से अगर भेजा जाएगा तो कैसे काम चलेगा, पहला मुद्दा तो यहां पर ही निकल के आता है। तो जो अमेंडमेंट किया जा रहा है यहां पर, तो ये प्रपोज अमेंडमेंट जो है जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर इसको लेकर खुश नहीं है, ठीक है। तो कई सारे इश्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे कि यहां पर सेंटर को फिक्स इसमें भेजना है यहां पर, और वो भी चाहिए तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आईएएस ऑफिसर जो है वो सेंट्रल डेप्यूटेशन पे जब भेजता है यहां पर, ठीक है, तो उनकी विश होना जरूरी है। तो यहां पर सेंट्रल डेप्यूटेशन पे अगर जा रहा है, पता चला किसी की विश भी नहीं है, तो फिक्स नंबर कहां से निकाल कर लेकर आएंगे। अभी हमारे देश में कई सारी कंडीशन है, आज के में पुअर वर्किंग कंडीशन देखने को मिलेगी अगर आप लोग जूनियर लेवल पर रहते हैं, ठीक है, और कई बार उल्टे सीधे जिनमें कोई क्लैरिटी नहीं होती ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं यहां पर सीनियर पोस्ट पर, कि पता नहीं है कि नीचे क्या चल रहा है, ठीक है। लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आज के में शॉर्टेज है, आईएएस की शॉर्टेज इसलिए भी हो गई है क्योंकि लोग जो है इससे ज्यादा ल्यूक्रेटिव अपना प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस पर्पज के लिए यहां पर आईएएस ऑफिसर बनते हैं उस पर्पज को उनका फुलफिल नहीं होने देता है, यानी कि आप लोग पूरे डेडिकेशन के साथ में जा रहे हैं, करप्शन को हटा देंगे, ये चीजें चेंज कर देंगे, वो चीजें चेंज कर देंगे, पर रियलिटी में इतना आसान नहीं होता है। अंदर जाकर बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि टैकल करने होते हैं, यहां पर पॉलिटिशियन जो होते हैं वो मालिक होते हैं और वो सर पर बैठे होते हैं सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के, तो उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की जाती है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से माना जाता है कि जितनी पावर है इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर वो ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इवन कई सारे ऐसे भी देखेंगे आईपीएस ऑफिसर तक आईएएस ऑफिसर तक सुसाइड तक भी कर लेते हैं, इतना प्रेशर यहां पर बन जाता है कई बार। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दूर के धोल सामने होते हैं, आप लोगों को कई बार देखने को मिलेगा लोग जो है बड़े ही डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हैं, पर लेकिन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए आप लोगों को साथ ही साथ में, क्योंकि वहां पर एक तरीके से इमोशनैलिटी काम नहीं आने वाली है, प्रैक्टिकल और मैं बोलूंगा बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस आप लोगों को काम आने वाली है यहां पर, कि कहां पर किस तरीके चीजों को लेकर चलना है। आप लोगों के पास में एक पॉलिटिशियन आया, वो बोला ये काम कर दो, ठीक है, आपने बोला कि ठीक है बिल्कुल कर दूंगा, अगर ये काम जो है वो रूल के हिसाब से हो तो बिल्कुल करेंगे। पॉलिटिशियन बोलेगा कि रूल के हिसाब से होता तो
मेरे पास आता क्या? तो अगर उसी दिन पहले दिन आप लोगों ने उस पॉलिटिशियन की बात मान ली तो गले में पट्टा डाल के रखेगा पूरी जिंदगी, जहां चाहेगा उधर आप लोगों को लेकर चलेगा। वो अलग बात है कि पैसा अच्छा खासा मिलता रहेगा, करप्शन का माल आप लोगों की पॉकेट में आता रहेगा, पर लेकिन रियलिटी होगी आप लोगों की आत्मा मर जाएगी, आप लोगों की आत्मा अंदर से गवाही नहीं देगी। लेकिन अगर पहले ही दिन आप लोगों ने मना कर दिया कि ठीक है रूल के हिसाब से होगा तो काम करूंगा, वरना उल्टा सीधा पर्सनल काम बिल्कुल नहीं करूंगा, तो तुरंत क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी जगह ट्रांसफर कर देगा जहां आप लोग हो सकता है अच्छा ना लगे, पर लेकिन आप लोगों के अंदर का इंसान जो है वो गरिमा जो है वो बची रहेगी आप लोगों की। ठीक है, आप लोग ये बोलोगे हाँ मैंने अपने अंदर से जिस पर्पज के लिए यहां पर आया था वो पर्पज आप लोगों का फुलफिल रहेगा। तो देखिए चैलेंज आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, पर उन चैलेंज को टैकल करना भी आप लोगों को यहां पर आना चाहिए। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर यही देखने को मिलती है, इसी की वजह से बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी है। इवन लोग जो है जॉब छोड़ छोड़कर आ जा रहे हैं आईएएस ऑफिसर की, अभी रिसेंटली कई सारे रेजिग्नेशन आप लोगों ने पास्ट में भी देखे होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आती है। पर लेकिन यहां पर एक मुद्दा जो इंपॉर्टेंट उठाया गया है वो है ये, जब ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट यहां पर, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही है, आप लोगों ने देखा होगा अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसके बाद में बात भी की थी कि यहां पर लेटरल एंट्री ले रही है। लेटरल एंट्री मतलब बाहर से डायरेक्ट यहां पर ये ऑफिसर्स की जो पोस्ट पर यहां पर ऊपर पोस्ट पर यहां पर सेक्रेटरी यहां पर एक कैबिनेट सेक्रेटरी यहां पर इन पोस्ट पर जिसका एक्सपीरियंस है उनको ले जाने की ऑलरेडी बात यहां पर कर रही है लेटरल एंट्री के थ्रू। जब यहां पर लेटरल एंट्री का ऑप्शन है उनके पास में और उसको यूज भी कर रही है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर यहां पर क्यों आईएएस ऑफिसर जिनकी इच्छा भी नहीं है आने की उनको आप लोग फोर्स कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए आने के लिए, उनको तो आप लोग इस तरीके से फोर्स ही नहीं करना चाहिए। तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि उनको फोर्स नहीं करना चाहिए इस तरीके से, ये गलत तरीका है, आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये देखने को मिलेगा जो कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को और इरिटेट कर रहा है। ये मुद्दा क्या है, ये मुद्दा यहां पर ये बोला है कि आप लोगों को ये बोला गया कि अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में ये लगा कि डेप्यूटेशन पे किसी को बुलाना है तो वो तुरंत बुला लेगा उसको, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, उसको रिलीज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अभी मैंने आप लोगों को तमिलनाडु वाला मुद्दा बताया, अभी मैंने आप लोगों को वेस्ट बंगाल वाला मुद्दा बनाया, अब ये तो ऐसा हो गया पता चला यहां पर कोई ऑफिसर जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा बुरा उसको लेकर तो तुरंत उसको डेप्यूटेशन भी बुला लेगा, वो तो डेप्यूटेशन नहीं वो तो पनिशमेंट हो जाएगा एक तरीके की इंसान की। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पास्ट का जैसा एक्सपीरियंस है उसके बेस पर ये स्पेसिफिक कंडीशन जो है जिसको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया तो ये स्पेसिफिक कंडीशन का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है अपने पॉलिटिकल मुद्दों को साधने के लिए, क्योंकि आप लोगों को अभी रिसेंटली ऐसे कई सारे केसेस यहां पर देखने को मिले। यहां पर चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो चीफ मिनिस्टर के होते हैं, ठीक है, पता चला उनको वहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनको उठाकर दूसरे राज्य में डाल दिया, उनको उठाकर डेप्यूटेशन पे बुला लिया, जबकि एक एडमिनिस्ट्रेशन की जो नींव होती है चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि चीफ मिनिस्टर को प्रॉपर वे में एडवाइस करते हैं और सही डायरेक्शन में सारी चीजें चल रही होती है। तो ये ऐसा मुद्दा अगर यहां पर लाया जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, अगर हम लोग आज के दिन में चाहते हैं कि संघवाद का ढांचा हमारे देश में प्रॉपर वे में बना रहे, ये कुछ सजेशन दिए गए हैं उसके लिए, तो आप लोग इनको आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं यहां पर और इवन इंटरव्यू में भी इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो वहां पर भी आप लोग इनको बता सकते हैं। बात की जा रही है नानी पालकी वाला जी के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे हमारे देश में, इनकी जो डेथ हुई 2002 में हुई, इंडियन जूरिस्ट थे और एक लिबरल इकोनॉमिस्ट भी थे। इनके द्वारा यहां पर ये बोला गया आज की डेट में अगर आप लोग चाहते हैं चीजें सही डायरेक्शन में चलती रहे, ठीक है, तो यहां पर एक वॉइसराय वाली टेंडेंसी मेंटेलिटी आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये था कि अगर देश को चाहते हैं तो देश के हित में आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक मोरालिटी रखनी पड़ेगी यहां पर सेंटर को, तभी जाकर चीजें आगे बढ़ पाएंगी, तभी जाकर यहां पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ढंग से काम कर पाएंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मोरालिटी होनी चाहिए, ठीक है, जस्टिस और फेयरनेस होना चाहिए स्टेट की तरफ, यानी कि स्टेट को ये बोले कि स्टेट तो मेरे नीचे आता है और स्टेट को दबाकर रखा जाए, तो ऐसा नहीं है भाई साहब, हमारी कंट्री में फेडरलिज्म यानी कि संघवाद का ढांचा है और ये कोऑपरेटिव है, यानी कि संघवाद का ढांचा मिलकर काम करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए यहां पर जबरदस्ती स्टेट गवर्नमेंट के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए। तो ये सजेशन में आप लोग मेंशन यहां पर कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा, ये तो डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया, आप लोगों ने देखा होगा कई बार, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1994 का, एसआर बोमई यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो था 1994 का, उसमें यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि स्टेट जो है भाई साहब वो एक इंडिपेंडेंट खुद की उनकी एंटिटी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान में अलग अलग मेंशन किया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो अलग रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से, यहां पर उसके अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और प्रेसिडेंट रहेंगे, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर रहेंगे, पूरा एक पैटर्न है। तो सबॉर्डिनेट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट, वो खुद लोगों के द्वारा इलेक्ट की जा रही है भाई साहब, आप लोग उनको ऐसे नहीं देख सकते। तो ये सारी बातें ऑलरेडी यहां पर कई सारे केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बताई गई है
कि आप लोग जो है यहाँ पर बेसिकली ये फोकस करना है कि कैसे पॉलिटिकल सोशल एजुकेशनल कल्चर लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आना है, उसको कैसे आप लोगों को आगे बढ़ाना है, ना कि यहाँ पर आप लोग ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो आप लोगों के नीचे काम करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट बोला गया नाइदर सैटेलाइट नोर एजेंट ऑफ सेंटर, यानी कि ये आप लोगों के अंदर अंडर कंट्रोल में काम करने वाली कोई एंटिटी नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट काम करने वाला एक प्रॉपर सिस्टम है जो कि संविधान में जिसके प्रॉपर इंडिपेंडेंसी इसको दे रखी है। तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने कब्जे में नहीं ले सकती। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आप लोगों के सामने और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के निकल जाते हैं। इवन बोल देंगे कि किस केस के द्वारा बोला गया, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो एसआर मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस वहां पर भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोग इसको लिखकर आएंगे तो, ठीक है। और डेली जो आप लोग यहां पर दो क्वेश्चन मिलते हैं आंसर राइटिंग के यार, उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करो, उससे आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक दूसरे का जो आंसर है वो रिव्यू भी किया करो, जैसे कि यहां पर आप लोग देखते हैं रेगुलर आप लोग क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं, कई सारे बच्चे जो है अच्छे से आंसर देते हैं यहां पर, तो आप लोगों को रेगुलरली पार्टिसिपेट करते रहना यहां पर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे तो लिख लिख कर ही अभ्यास कर ही आप लोग सीखोगे, वरना ऐसे कोई मां के पेट से सीखकर नहीं आता है। और इसी के साथ में अगर कुछ भी आप लोगों को चाहिए बाकी सारी चीजें आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है, कोटेशन वगैरह भी डेली डालता हूं यहां पर SLVpedia के नाम से, बहुत कुछ आप लोगों को यहां पर मिलता है, तो इसको भी अपना जो है स्टडी का पार्ट आप लोग बनाकर रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर क्या है कि सरदार पटेल साहब के द्वारा जो बोला गया था वो बोला गया था किसके बारे में, बोला गया था कि हमारी कंट्री में ऑल इंडिया सर्विस जो है तो यहां पर किसी लेकर आई गई थी ताकि हमारी कंट्री में एक प्रॉपर वे में देश जो आगे बढ़ सके। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि हमको सरदार पटेल जी की जो उनके द्वारा उम्मीद लगाई गई थी, उनके द्वारा जो मतलब एक तरीके से उनके द्वारा जो सोचा गया था, एक तरीके से सलाह दी गई थी, उसको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग किस लिए ऑल इंडिया सर्विस बना के लेकर आए थे। एक फेडरल सिस्टम को हम लोग को आगे लेकर चलना चाहिए, सेंट्रल स्टेट की कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में यहां पर इसको ताव पर हम लोग को नहीं लगाना चाहिए। अगर लग रहा है कि कोई लड़ाई लग भी रही है तो उसको प्रॉपर मिलकर आप लोग देश के हित में रहते हुए आप लोग इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ में, यानी कि सहकारी संघवाद के ढांचे के साथ में काम आप लोग यहां पर करना पड़ेगा, तभी एक सही सोल्यूशन आप लोग का निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये बातें यहां पर इसमें कंप्लीट बताई गई हैं। आई होप कि आप लोगों के माइंड में एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट आप लोगों को लगता है तो आप लोग उसको पूछेगा जरूर, वो डाउट आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। वो डाउट एक एक पॉइंट आप लोगों को अगर पता रहेगा तो आप लोग उसको लिख भी पाएंगे और एग्जाम में तो सही है, आप लोग लाइफ में अगर एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर एक सिविल सर्विसेज में आप लोग जाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये सही किया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गलत किया गया, आप लोगों की क्या राय है, तो कुछ शब्दों में आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं। आइए अब यहां पर नजर डालते हैं कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से। अभी मैंने बोला यहां पर अमर जवान ज्योति जो है उसको मर्ज कर दिया गया यहां पर वॉर मेमोरियल के साथ में, ठीक है। तो 1971 में यहां पर बांग्लादेश की वॉर को रिकॉग्नाइज करने के लिए अमर जवान ज्योति जो है यहां पर लाई गई थी। तो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर ये भी बन गई है क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा 50 साल पूरे हुए थे इंडिया और बांग्लादेश की जो बेसिकली यहां पर पाकिस्तान के साथ में लड़ाई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी के साथ में स्टेचू बनाने की बात की जा रही है सुभाष चंद्र बोस जी की और रिस्ट्रक्चर करने की बात की जा रही है यहां पर और भी यहां पर इंडिया गेट को जो कि उसका सिंबल था, ठीक है। अभी यहां पर ये आप लोगों ने देखा वॉर मेमोरियल, तो इसके बारे में आप लोगों को बातें करने वाला हूं। नेशनल वॉर मेमोरियल बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर में। तो इंडिया गेट का जो कॉम्प्लेक्स है उसी के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। किस किसने देखा है, यस या फिर नो, आप लोगों ने देखा है किसी ने नेशनल वॉर मेमोरियल अब तक, ठीक है, बताइए जरा यहां पर किस किसने अभी देख लिया। अभी COVID-19 चला है, नहीं देखा तो बाद में जरूर देखेगा जाकर, ठीक है। अमर चक्र है यहां पर, ये सर्किल ऑफ इमोरलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वीरता चक्र जो है यहाँ पर बेसिकली ये सर्किल ऑफ ब्रेवरी के बारे में बात करते हैं। त्याग चक्र जो है वो सैक्रिफाइस के बारे में और रक्षा चक्र जो है वो प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो चार चक्र आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर 21 जो पद्म वीर चक्र अवॉर्डी हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बेसिकली चीजें स्टोल की गई है, ठीक है। तो यहां पर परम युद्ध स्थल जो बेसिकली यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेशनल वॉर मेमोरियल जो है यहां पर ये सोल्जर्स यहां पर जो कौन कौन से हैं जो कि यहां पर आजादी के बाद में हमारे UN पीस कीपिंग में बहुत सारे सोल्जर गए। इसी के साथ में ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस रहता है डिजास्टर उसमें कई सारे हमारे जवानों की जान गई है। और इसी के साथ में अगर बात करें लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो ऑपरेशन होते हैं हमारे देश में उसमें भी कई सारे जवानों की जान जाती है, तो उनको भी यहां पर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की गई है जिन्होंने देश के लिए यहां पर जान दी है। 1962 आजादी के बाद में यहां पर 25,000 के करीब लोगों की यहां पर हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, कोई इंडिया चाइना वॉर में, कोई इंडिया पाकिस्तान वॉर में 1947, 1965, 1971 पीस कीपिंग ऑपरेशन में, कारगिल और श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट में। इसी के साथ में यहां पर ये सारी चीजों को यहां पर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो 1960 में बोला गया था कि नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए, तो किस्ते किस्ते यहां पर अभी यहां पर ये इसको बनाया गया 2015 में, तो इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स में इसको एस्टेब्लिश किया गया।
और 2016 में यहाँ पर एक कंपटीशन लाया गया था यहाँ पर, तो चेन्नई बेस यहाँ पर वीबी डिजाइन लैब थी जिसके द्वारा इसको सेलेक्ट किया गया। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में वीबी डिजाइन लैब के साथ में, इनके द्वारा बड़े ही प्यारा सा एक कार्टून बनाया गया, ठीक है। तो जो कार्टून बनाया गया वो कार्टून था इनके द्वारा जो डाला गया यहाँ पर, वो कार्टून मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेमोरियल के बारे में पूरी हिस्ट्री बता रखी थी उन्होंने, ठीक है। तो वो कार्टून जो था वो बेसिकली मुझे एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया, कार्टूनिस्ट मतलब कार्टूनिस्ट की फॉर्म में एक तरीके से एक्सप्लेन की गई थी चीजें, तो मुझे अच्छा लगा। तो जो वी टॉक्स वाला हमारा सेकंड चैनल है ना, मैंने उसके ऊपर उसको डाल दिया, ठीक है। मैंने सोचा कि आप लोगों तक उसको पहुंचाया जाए, क्योंकि मुझे शायद किसी ने उसको मतलब वो नहीं डाउनलोड करके मुझे किसी ने सेंड किया था वो, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो मैंने उसको डाल दिया। और मुझे लगा वैसे भी यार देश के बारे में बातें की जा रही है, ऐसा तो नहीं किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर जो वी डिजाइन लैब है इन्होंने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी उसके ऊपर। मैंने कहा यार ये तो बच्चों तक पहुंचाने वाली चीज है, और वो तो चैनल भी ऐसा नहीं था, वो चैनल मोनेटाइज भी नहीं हो रखा था, ठीक है, कि उसमें वहां पर मैं पैसे कमा रहा हूं या फिर कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूं। तो मुझे लगा आप लोगों तक चीजें पहुंचानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेसिकली टेलीग्राम पर सारे लोग नहीं जुड़े हुए, ठीक है। टेलीग्राम पर लगभग 1.5 लाख के करीब हो गए अभी लोग, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, पर लेकिन यहां पर आप लोग इससे 9 लाख से ऊपर लोग जुड़े हैं, तो मुझे लगा ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और दूसरे वाला जो चैनल है वो पहले बनाया था, उस पर भी यहाँ पर लगभग 50,000 के करीब लोग जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो कई बार छोटी छोटी चीज़ें ऐसी शेयर करता था मैं वहाँ पर, तो फिर मुझे लगा कि मैंने कहा यार ये तो हद कर दी उन्होंने, उन्हें पराकाष्ठा ही पार कर दी, मैंने कहा ये भी कौन सी बड़ी बात हो गई थी। मैंने कहा चलो जैसी आपकी इच्छा, हम तो अपना वैसे ही काम कर लेंगे, ठीक है। आगे बात करें हमारी कंट्री में जो सेबी है उसकी एक बेसिकली अप्रूवल की बात की जा रही है, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बोला जा रहा है आगे आने वाले टाइम में काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, आम जनता भी यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। यहां पर बात की जा रही है मनोहर पारिकर जी के जो बेटे हैं उत्पल पारिकर, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो वो बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी बेस्ड यूट्यूबर है उनको अभी यहां पर बंद कर दिया गया, हमारी कंट्री में बैन कर दिया गया। रीजन क्या है, बेसिकली वो मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा फैला रही थी, फालतू की इन्फॉर्मेशन, उल्टी सीधी बातें बोल देना। हमारे देश में ना लोग आप लोगों को प्रोडक्टिव काम करते हुए नजर आएंगे, पाकिस्तान में कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादातर एक तरीके से नहीं नेगेटिविटी को ज्यादा फैलाने की कोशिश की जाती है। एक तो इकोनॉमी इतनी डूबी हुई है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, चाइना ने ऊपर से सारी चीजें खत्म कर रखी है, तो समझ रहे हैं आप लोग। तो हमारी कंट्री में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल एथिक कोड लाए गए थे रूल 2021 में, तो उसके तहत हम लोगों ने इनको यूज किया। और आज के में आप भी अगर यूट्यूब पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो सतर्क रहिएगा, आप लोग भी इसकी कैटेगरी में आते हैं। यहां पर अगर कल को कुछ भी कुछ गलत बोलते हैं तो आप लोगों का भी चैनल जो है सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। स्टार्टअप के बारे में बात की जा रही है आने वाले टाइम में, तो यहाँ पर 24 बिलियन के करीब यहाँ पर बात की जा रही है, स्टार्टअप रेज कर रहे हैं रिकॉर्ड 24 बिलियन, तो यहाँ पर आने वाले टाइम में और भी अच्छा देखने को मिलेगा। खासकर ये पहले अगर कोविड-19 के पहले और कोविड-19 के बाद में स्टार्टअप जो है काफी ज्यादा बढ़ गए। स्टार्टअप क्या होता है, जब कोई इंडिपेंडेंट काम करना स्टार्ट कर देता है और लोगों को जॉब भी देता है, तो हमारी कंट्री में FDI का फ्लो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है फिलहाल एट ए टाइम अगर बात करेंगे तो, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर दो लोगों को यहाँ पर क्या किया गया, अरेस्ट किया गया कि जॉब प्रोवाइड कराने का लोगों को भुलामा दे रहे थे, तो ऐसे लोगों से यार डिस्टेंस बनाकर रखो, दिक्कतें देखने को मिल जाती है फिर, ठीक है, क्योंकि आप लोग पैसा भर दोगे, पता चला फिर लेकर भागे तो माँ बाप की कमाई है मेहनत की, तो हरामी की कमाई नहीं होती है, वो मेहनत की कमाई होती है जो कि तीन तीन करके उन्होंने जोड़ी है, तो ऐसे के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। आगे बात करें यहाँ पर बात की जा रही है 2 स्टेट प्लान के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, सरस्वती रिवर के ऊपर काम करने की बात की जा रही है। यहां पर अगर आगे चलते हैं तो बात की जा रही है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कुछ बातें आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। इसमें यहां पर क्या किया जा रहा है, अभी टाइगर सेंसस चलाने की बात की जा रही है, तो टाइगर सेंसस जो था उसके बारे में याद रखिएगा, पहला 2006 में हुआ था जब बोला था 1411 टाइगर है, 2010 में हुआ 1706 टाइगर है, 2014 में हुआ 2226 टाइगर है, 2018 में हुआ, हर 4 साल में हो रहा है 3000 के करीब टाइगर आप लोगों को देखने को मिले। अभी 2022 में नेक्स्ट टाइगर सेंसस यहां पर होने वाला है। सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों से बात कीजिए तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में, और फिर केरला और फिर आसाम, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें, बाकी यहां पर काम कौन करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करने का काम भी यही करती थी। और हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं। पावर मिलती है इसको यहां पर जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसमें चेंज किया गया, उसके हिसाब से यहां पर इसको बनाया गया। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं, बाकी मैंने आप लोगों को बताए थे, एंजॉय कर सकते हैं आप लोग, केस आ रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा और इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा, ठीक है। बाकी यहां पर ईरान के जो एप्पल हैं वो देश में लाने से मना कर रहे हैं क्योंकि क्वारंटीन पेस्ट यहां पर हमारे देश में आ सकते हैं जो कि ईरान में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इलीगल तरीके से भी अगर कुछ यहां पर हो रही है तो उसको हम लोग समझना पड़ेगा।
हमारी कंट्री में बोला जा रहा है कि डंप किए जा रहे हैं आज के डेट में यहाँ पर, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डीलर जो है मिनिस्ट्री से बात करें कि यार इसको रोको वरना दिक्कतें निकल कर आएंगी। सुडोकू के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना अटेम्प्ट किया कीजिए इसको। बाकी अगर हरियाणा के अंदर में 75% लोगों को जॉब मिलती है तो यहाँ पर लोकल लोगों को, तो इससे एक संविधान का कहाँ कहाँ पर हनन होगा? तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है बेसिकली बर्थ प्लेस के नाम पर, आर्टिकल 16 जॉब में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और फ्रीली मूव कंट्री में नहीं कर सकते जॉब के नाम पर, तो ये संविधान का उल्लंघन है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहां पर तो यूक्रेन के बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली इसके ऊपर इशू चल रहा है। तो रसिया और यूएसए मिलकर काम करने के लिए तैयार है, जो कि पहले दिक्कतें देखने को मिल रही थी। इसी के साथ में यहां पर जो नेक्स्ट बातें की जा रही है, एटलीस्ट 70 लोगों की यहां पर जान गई यमन के अंदर में जो एयर स्ट्राइक की जा रही है, तो ये सब चल ही रहा है यहां पर। यूएई और जो सऊदी अरेबिया का ये पूरा फंडा है, तो इसको आप लोग जानते हैं। परसों भी मैंने डिस्कस किया था, कल भी शायद डिस्कस किया था, कल तक परसों किया था मैंने। ठीक है, कल भी किया था क्या, याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब मैंने किया था इसको डिस्कस। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो चिप मैन्युफैक्चर करने में इंटेल जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में एक बूम आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, तो ये देखिएगा। और बाकी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, अगर रियलिटी में आप लोग इसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर ये मिशन के बारे में, तो ये नासा का मिशन था बेसिकली यूएसए का। ठीक है, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, और ये बेनू के लिए था जो एस्ट्रॉइड बेनू है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पर, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया था जो कि मैंने पूछा था किसके बारे में, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली क्वेश्चन में सारी चीजें आप लोगों को मैंने बताई थी डिटेल में, तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था यहाँ पर ए, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पर बात की थी मैंने जैद तलवार के बारे में, तो याद रखिएगा इसका आंसर था बी। ठीक है, तो बी या डी, डी था यहाँ पर यूएई। ठीक है, तो यहाँ पर डी था इसका आंसर। ओके, जो मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था शाम को जो वीडियो आती है, और इसी के साथ में यहाँ पर आइए, जो यहाँ पर आइलैंड टोंगा के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये शाम वाली जो वीडियो आई थी ना 8:30 बजे, उसमें अभी भी मैंने कल शाम भी मैंने डिस्कस किया था क्या क्या बातें थी सारी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।